हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास टेंथ सिविक्स का चैप्टर है हमारा प्यारा सा फेडरलिज्म। अब देखिए, फेडरलिज्म जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक बेसिक झलक जो है, ट्रेलर जो है, आप कहां देख चुके हो अपने प्रीवियस चैप्टर में। पावर शेयरिंग आपने पढ़ा था, पावर शेयरिंग चैप्टर के साथ में आपको इस चैप्टर को कनेक्ट करना है और फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। यह जो वीडियो है बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिर चैप्टर किस बारे में है और हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ट्राई टू कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर। व्हाट वाज द प्रीवियस चैप्टर? पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का कंसेप्ट क्या था कि सिंपल जो पावर है वो सिर्फ एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड ना होते हुए मल्टीपल सेंटर्स के पास होना चाहिए, पावर को शेयर किया जाना चाहिए। दैट वाज द बेसिक आइडिया व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, पावर शेयरिंग में हमने यही सारी चीजों को पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, पावर शेयरिंग के साथ जोड़ के देखना है इस चैप्टर को। तो आपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था, पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपने क्या देखा था कि पावर जब शेयर करने की बात आएगी तो कैसे करोगे। ठीक है, मतलब ऐसे रास्ते में बट थोड़ी नहीं है 10 रुपए किलो पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है तो पावर आप कैसे शेयर करोगे, वहां पे आपने देखा था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की जा सकती है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की जा सकती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की जा सकती है। सोशल ग्रुप्स के अलावा आप जैसे देखेंगे तो क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में क्या की जा सकती है, पावर शेयर की जा सकती है। तो हम जो स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं कि जब पावर को आप डिफरेंट लेवल्स के बीच में शेयर कर सकते हो। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए हो सकता है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी एक स्पेसिफिक प्रोविंस के लिए, एक स्टेट के लिए हो सकता है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से जब आप पावर को अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे शेयर करते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फेडरलिज्म। तो जी हां, हम इस पूरे चैप्टर में फेडरलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो अपने प्रीवियस चैप्टर में एक छोटी सी झलक लेकर आए, उस झलक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डेमोक्रेसीज, तो हमने ये भी देखा था कि पहले पावर को लेकर जो नोशन रहता था वो ये रहता था कि एक ही इंस्टीट्यूशन में पूरी पावर समाई रहे। फिर क्या होता है, विद द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग का आइडिया बदला। कैसे, कि ये लोगों ने सोचा कि यार एक ही इंसान के पास पावर देना क्या हो सकता है, घातक साबित हो सकता है, इसके लिए पावर को क्या किया जाना चाहिए, शेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो विद द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, और वही पावर को जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। और यही फेडरलिज्म आप पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पूरे के पूरे चैप्टर में आप फेडरलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, यहां तो बहुत सिंपल हो गया कि हाँ, पावर को जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर कर रहे हैं वो फेडरलिज्म। नई चीज क्या है सर इसमें पढ़ने वाली, तो नई चीज इसमें बहुत सारी है। जैसे तो ट्राई टू कनेक्ट द टॉपिक विद फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो फेडरलिज्म आखिर है क्या, ठीक है, किसी भी तरह से पावर शेयर कर देना फेडरलिज्म नहीं हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो इंडिया फेडरल कंट्री है तो इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में 1992 का जो ईयर है वो इंडियन फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एक बेंचमार्क या फिर एक वॉटरशेड इवेंट रहता है। क्यों, क्योंकि 1992 के बाद में, 1992 ही बोला ना मैंने अभी पहले भी, तो 1992 के बाद से आप जैसे देखोगे तो फेडरलिज्म की रूपरेखा बदल गई इंडिया में। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कहें कि इस चैप्टर में आप फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट को भी समझेंगे और फेडरलिज्म को भी समझेंगे। तो ये क्या है, ये पूरी बड़ी पिक्चर है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी है हमारे चैप्टर की। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्टोरी, ठीक है, इस पूरी की पूरी कहानी को कैसे पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक्स है आपके पास में। एक टॉपिक में हम व्हाट इज फेडरलिज्म पढ़ेंगे, तो इसमें मैं आपको फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरलिज्म का अपोजिट जो है वो भी समझेंगे, जैसा श्रीलंका में हमने देखा था। ठीक है, फेडरलिज्म एक फेडरल कंट्री के क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब रूट्स कौन कौन से हैं फेडरलिज्म के, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, वो सारा सब कुछ इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो सारा सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या है, अब आपने फेडरलिज्म को समझ लिया यहां पे बहुत अच्छी तरह से, व्हाट इज फेडरलिज्म, इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अगला जो टॉपिक होगा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो इस चीज में हम क्या पढ़ेंगे बताएं, इस चीज में हम ये पढ़ेंगे कि
फेडरलिज्म तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, कैसे है, क्या वो सारे फीचर्स इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई होते हैं? ठीक है, तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में, हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. फाइन, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में, हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. और आप जैसे देखोगे तो सिर्फ क्या दो चीजें होती है, एक थ्योरी होती है और एक ग्राउंड रियलिटी होती है. तो थ्योरी में तो हाँ, इंडिया एक फेडरल कंट्री हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑल दोस फीचर्स विच मेक अ कंट्री फेडरल आर अवेलेबल आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. लेकिन जब ऑन ग्राउंड उन चीजों को प्रैक्टिस किया जाता है ना, तो चीजें अलग होती है. तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है, आप चाहो तो इसमें आगे क्या ऐड कर सकते हो, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें कि फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो हमारी जो अप्रोचेस रही है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर, ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी रही है कि इंडिया ने किस तरह से हिंदी या इंग्लिश को एक तरह से इंपोज नहीं किया है, ठीक है, एक लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो वो लैंग्वेज पॉलिसी समझेंगे. और सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो फेडरलिज्म के नेचर को इन्फ्लुएंस करता है, फेडरलिज्म को ऑन ग्राउंड इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, अच्छा सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है, मतलब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इज स्ट्रांग. और वहीं पे सेंटर और स्टेट के बीच में अगर रिफ्ट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर क्या है, एक तरह से कह सकते हो आपकी बन नहीं रही है, तो वो क्या होगा कि एक कह सकते हैं वीक फेडरल स्पिरिट को दर्शाता है. तो इस तरह से क्या है कि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, ठीक है, इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, तो हम तीन अप्रोचेस जो इंडियन गवर्नमेंट की रही है रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट वाज द लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो इन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड वाले टॉपिक के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब देखो क्या है, ये सब कुछ हो गया फेडरलिज्म, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है. और जो मैंने आपको बताया कि 1992 जो साल रहा है, ये साल एक वाटर इवेंट, मतलब वॉटरशेड इवेंट की तरह रहा है, मतलब इसके बाद में इंडिया में जो फेडरलिज्म का रूपरेखा थी, फेडरलिज्म का जो कह सकते चेहरा था, वो पूरी तरह से बदल गया. क्यों? क्योंकि अब फेडरलिज्म और स्ट्रांग होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इंडिया में क्या स्टेप लिया गया, तो जैसे हम कहेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में किस तरह से आया, वो सारी चीजें आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर के बारे में, जैसे बोलते हैं ना कि एक रफ आइडिया जो है वो मिल गया है, मिल गया रफ आइडिया. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म के साथ में एक एक टॉपिक करके सभी टॉपिक्स को, ठीक है, सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें क्या करने वाले हैं, डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. आशा करते हैं चीजें आपको यहां तक समझ में आई. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस वीडियो में हम चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है व्हाट इज फेडरलिज्म. अब देखिए, चैप्टर है फेडरलिज्म और फेडरलिज्म क्या है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. अब ये ऐसी फीलिंग आती है कि फेडरलिज्म आपके लिए नया नहीं है, मतलब आपने चैप्टर वन में भी पढ़ा, पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको समझा दिया, अब फिर वही पढ़ने वाले हैं हम कि फेडरलिज्म क्या है. तो नो डाउट आप जो समझ रहे हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जा रही है, दैट्स इट. नहीं, इतने पे भी खत्म नहीं करना है, ये तो हमने एक बेसिक आइडिया समझ लिया कि फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म वो होता है जहां पे आप अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर को शेयर कर दे रहे हो, वो फेडरलिज्म का एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया. लेकिन उसे डिटेल में भी तो समझना है, ठीक है, तो वो डिटेल में किस किस तरह से फेडरल मतलब जो फेडरेशन है वो बनती है, ठीक है, फेडरलिज्म के अलग अलग रूट्स क्या है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम बेल्जियम और श्रीलंका की तरफ. अब आप बोलोगे सर ये दोनों चैप्टर को एक में ही मिला देते तो कितना अच्छा होता है, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म को. क्यों? क्योंकि चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं लेकिन आधे समय हम क्या करते हैं, चैप्टर वन की बात करते हैं उसमें. खैर वो जरूरी है क्योंकि आपने जो पावर शेयरिंग समझा था, तो पावर शेयरिंग में एक तरह का एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है कि आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करो. ठीक है, तो अगर हम बेल्जियम और श्रीलंका की बात करते हैं तो आप थोड़ा रिकॉल करो, करण अर्जुन वाले मोड पे जाओ और चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करो और कनेक्ट करो, एनालाइज करो. देखिए हमने क्या पढ़ा था कि बेल्जियम में अकोमोडेशन होता है, किसका, अलग अलग सोशल ग्रुप्स का. वो तो ठीक है, आपने पावर शेयर करी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, आपने डच और फ्रेंच दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में पावर शेयर करी. उसके अलावा हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हुआ. ठीक है, क्या पढ़ा था हमने अकोमोडेटिव स्टेप्स में, कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट,
पढ़ा था ये कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट क्या है, दोनों के पास ही बराबर बराबर पावर होती है। तो जब आप पावर ऐसे शेयर कर रहे हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दोनों को इक्वल कह सकते हैं फुटिंग पर रख रहे हो, तो वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि पावर इज बिंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम जो कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अगर अभी आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर यूनिटरी क्या है, तो दो मिनट रुको, आगे आके वही समझाने वाला हूं मैं। तो बेल्जियम ने क्या किया, अपने आप को एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट किया, ठीक है। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है, अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। लेकिन अगर आप श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर नहीं हुई, ये तो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया। लेकिन उसके अलावा ये भी देखोगे कि जो एक प्रोविंस था नदन और ईस्टर्न पार्ट जो था श्रीलंका का, वो ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, जो तमिल ईलम की बात करने लगते हैं बाद में। तो वहां पे क्या है कि वहां पे जो प्रोविंशियल कह सकते हैं लेवल पे गवर्नमेंट थी, या फिर कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके अलावा जो रीजनल गवर्नमेंट होना चाहिए थी, तो रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं गई है। तो पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में श्रीलंका के केस में देखने को नहीं मिलती है। और उसी के चलते हम क्या देखते हैं, उसी के चलते हमने देखा कि क्या खिचड़ी मची थी वहां पे, सिविल वॉर हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, ये सारी समस्याएं हुई, ठीक है। तो अब आपने जो दोनों एग्जांपल पढ़े थे, बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी, तो वहां पे आपको दो चीजें समझ में आई थी, क्या कि श्रीलंका में आप जैसे देखोगे तो फेडरलिज्म नहीं था, बेल्जियम में फेडरलिज्म था, और श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम था। तो अब यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, इन दोनों चीजों को बहुत इत्मीनान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से समझना, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, वर्सेस में है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे का। फेडरलिज्म का अपोजिट होगा यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, समझो। तो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा और दूसरा क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होगा। तो ये कंट्री है तो कंट्री की एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, मतलब जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं इंडिया में, और दूसरे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। इंडिया क्या है, इंडिया जैसे अगर आप देखोगे तो ऐसे देख रहे हैं क्या कि इंडिया जा रहा है, नहीं, इंडिया क्या है, इंडिया स्टेट्स से मिलकर बना है ना। तो इंडिया इज मेडअप ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया इज मेडअप ऑफ राजस्थान, इंडिया इज मेडअप ऑफ कह सकते हैं मणिपुर, इंडिया इज मेडअप ऑफ केरला, इंडिया इज मेडअप ऑफ कश्मीर। तो इस तरह से इंडिया डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मिलकर बना है। तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो ये बड़ा सा इंडिया दिखता है आपको, लेकिन इंडिया बना किससे आखिरकार, उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टेट्स से, ठीक है। तो उस सेंस में अगर आप देखोगे, तो उस सेंस में जैसे अगर आप चीजों को समझोगे देखोगे, तो आपको समझ में आएगा क्या कि जब आप पावर ऐसे एक सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो उस नेशन को नेशन बना रहे हैं, उनके बीच में पावर शेयर होती है, तो वो क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। तो आपके पास मल्टीपल डेफिनेशन है, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट, व्हेन पावर इज शेयर्ड, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो इस तरह से क्या है कि आपके पास में मल्टीपल सेट ऑफ आंसर्स बन सकते हैं, ठीक है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो एक जो फेडरलिज्म के अंदर एक जो फेडरेशन रहता है, उस फेडरेशन के अंदर क्या होता है, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या फिर दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, या फिर दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो अब जो हम बात कर रहे हैं दो या फिर दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो एक जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है, ऐसी होती है वो गवर्नमेंट जो कंट्री के लिए इन जनरल है, ठीक है। वन इज गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना क्या कि जैसे आप देखेंगे तो जुरिस्डिक्शन जो है, अलग अलग एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन को स्पेसिफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या रहेगी उन सारे मुद्दों पे जो जहां पे आपको कॉमन नेशनल इंटरेस्ट की बात समझना होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूं अच्छे से, मान लो डिफेंस, तो डिफेंस पूरे देश की आपको एक साथ संभालना होगी। ऐसा थोड़ी ना कि सब स्टेट अपनी अपनी की, तमिलनाडु अपनी डिफेंस देख ले भाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश अपनी डिफेंस देख ले, फिर बात करते हैं इधर तो क्या कि नागालैंड वगैरह जो है तो अपनी अपनी डिफेंस देख लो। पूरी कंट्री में एक जैसा डिफेंस सेटअप चाहिए रहेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम एक जैसा चाहिए रहेगा, ठीक है, करेंसी एक जैसी चाहिए रहेगी। तो ये ऐसे मुद्दे आ जाएंगे जो किसके पास जाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पावर को ऐसे शेयर किया जाता है, पावर शेयरिंग का ही तो हम एक क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म पढ़ रहे हैं, वो फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, यूजुअली एक फेडरेशन में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, एंड द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। दूसरा क्या है, एंड द अदर इज
एंड दी अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस. गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस मतलब क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट होंगे तो वहां पे जो गवर्नमेंट बनी है उस गवर्नमेंट का काम क्या होगा. लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्या है कि वहां पे आपको ये देखना है कि पानी की सप्लाई कैसी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, तो वो फिर अपने अपने कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो होंगे अपने अपने रीजन में संभालेंगे. तो इस तरह से फेडरलिज्म का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया. ठीक है, तो बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. और फिर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी बाउंड्रीज पता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी बाउंड्रीज पता है, तो अपने अपनी बाउंड्रीज में क्या है, अपने अपने काम करते रहो. इस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जब आपको देखने को मिलता है तो ये होता है फेडरलिज्म. समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ में आया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, तो मुस्कुराओ और अब इसका अपोजिट समझो. तो हमने क्या देखा था अभी कि बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, 1 नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका जो है दोनों ही जगह क्या है, अलग अलग तरह से पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट देखने को मिलता है. एक जगह फेडरल था तो बेल्जियम में हमने यही देखा कि हाँ ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयरिंग बराबर ये सारा सब कुछ था. लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, तो फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म का अपोजिट जो मैंने बताया ना कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, वर्सेस में है, तो फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. आप यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ में कंट्रास्ट करवाते हो, किसको कंपेयर करते हो, फेडरलिज्म को. ठीक है, तो अगर ये दिन है तो ये रात है, ये क्या है जमीन है तो ये आसमान है, इस तरह से क्या है अपोजिट कह सकते हैं कि अपोजिट पार्ट पे आ जाते हैं दोनों. ठीक है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब यहां पे एक देखो, द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी, यूनिटरी मतलब एक यूनिट ही सब कुछ है. ठीक है, एक यूनिट ही सब कुछ है, तो यहां पे या तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होगी, अगर दूसरी होगी भी तो वो बराबर में नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट में होगी. ठीक है, तो यहां पे आपको ये समस्या देखने को मिलती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू दी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अब ज्यादा पावर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि ऐसा करो, और उन्हें करना पड़ेगा बिकॉज दे आर सबॉर्डिनेट. जो सबॉर्डिनेट होता है उसे क्या करना पड़ता है, अपने से सुपीरियर की सुनना पड़ती है. ठीक है, ये मतलब एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे चीजें काम करती है. और यहां पे क्या है, सबॉर्डिनेट नहीं बता रहे हैं. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ फेडरल सेटअप. ठीक है, वहां पे क्या होता है, दोनों बराबर लेवल पे होते हैं, बस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को संभालती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक रीजन को संभालती है. समझ में आ रहा है? तो अब जैसे कंट्रास्ट की हम बात करें, दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट में, तो यहां पे क्या है, ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, फेडरल सेटअप में ऑर्डर पास नहीं किए जा सकते. ठीक है, फेडरल सेटअप में क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर मुद्दे पे मतलब ऐसे ऑर्डर पास नहीं कर सकती कि ये करो. ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगी. और उसके बाद में फिर जैसे आप देखोगे तो क्या है, पावर जो रहती है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर सेंट्रल लेवल के पास में पूरी रहती है, फेडरल सेटअप में पावर जो रहती है तो स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास में पावर रहती है अपने अपने एरियाज में. ठीक है, अभी आप ये चीज जब समझना चाहोगे कि पावर्स क्या है सर, तो ये यहां पे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. समझो देखो कैसे, तो ये आपका जो टॉपिक है ना थ्योरी पार्ट पे, ये क्या हो जाता है, ये टीचर्स का फेवरेट टॉपिक हो जाता है, सीधा क्वेश्चन बनता है मतलब, और ये आया भी बोर्ड एग्जाम्स में. तो इस चीज को ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन सीधा बनता है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है, तो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के फीचर्स बताओ, इस तरह से सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, 7 फीचर्स हैं आपके पास में, 5 तो क्या कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, और उसके अलावा क्या है कि अगर 7 पढ़ लोगे तो सोने पे सुहागा टाइप से है. ठीक है, तो देखो की फीचर्स क्या कह रहे हैं. पहला की फीचर अगर हम देखें तो देयर आर 2 और मोर लेवल्स, और इन लेवल्स को क्या कहते हैं, अलग अलग टीयर्स कहते हैं. तो 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो समझ में आ गया कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, कम से कम 2 तो होना चाहिए, 2 से ज्यादा अगर आप लोकल गवर्नमेंट बना रहे हो तो बढ़िया है. ठीक है, तो पहला फीचर ये हो गया सिंपल. अब क्या है, देखो सारी चीजें कनेक्टेड है, रटना कुछ नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हो कि सर रटना पड़ेगा कैसे करेंगे, दिमाग पे जोर आ गया, नहीं. ठीक है, रटना कुछ नहीं है, बहुत आसान है. क्या हो रहा है कि आपको पता है फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है, तो 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हो. ठीक है, अब ये जो 2 अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो 2 अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाना है, क्योंकि दोनों को अलग अलग काम देना है. ठीक है, तो द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. अब गवर्न द सेम सिटीजन से क्या तात्पर्य है, कि ये हमारा देश है, ये हमारा राज्य है, गुजरात है मान लो. ठीक है, तो अब हमारे प्यारे देश में क्या है, एक प्यारा सा राज्य गुजरात है. तो यहां जैसे अगर आप देखेंगे ना, यहां क्या हो रहा है, यहां अगर हम देखेंगे तो जो इंसान गुजरात में रह रहा है वो गुजरात में भी रह रहा है, वो देश में भी रह रहा है. तो ऐसे थोड़ी ना कि बस गुजरात देश से अलग है, गुजरात है तो देश का ही भाग ना. तो उसके चलते क्या होता है कि डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस इंसान को अपना सिटीजन मान रही है, और गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो भी यही बोलेगी कि रह तो गुजरात में रहा है तो गुजरात का भी सिटीजन है एक सेंस में. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन.
ठीक है, गवर्न्स दी सेम सिटीजन। तो अब यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग लेवल अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वो सेम सिटीजन को गवर्न कर रही है। तो अब तो समस्या हो जाएगी, मतलब ये जो अंकल होंगे ठीक है, ये बोलेंगे कि मैं किसकी बात मानूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मानूं स्टेट गवर्नमेंट की बात मानूं। स्टेट गवर्नमेंट की बात मानूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बुरा लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानूंगा स्टेट गवर्नमेंट को बुरा लग जाएगा, विकट समस्या। तो उसी चीज को स्पेसिफाई किया है कि एक फेडरल कंट्री में क्या होता है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, दे आर गवर्निंग दी सेम सिटीजन बट दे हैव स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। मतलब क्या है, बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है कि दायरा, जो हम दायरा कहते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि अब पुलिस तो पुलिस है ठीक है, पुलिस खाकी वर्दी में जहां दिख जाए पुलिस है वो ठीक है, डर लग जाता है कुछ लोग क्या गाड़ी पे जो होते तो पुलिस को देख के सलामी नहीं देते, गाड़ी उड़ा देते, क्यों, क्योंकि हेलमेट नहीं होता उनके पास ठीक है। तो पुलिस है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पुलिस आपको कहीं भी पकड़ लेगी। पुलिस के भी क्या होते हैं, पुलिस के भी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं ना, कि मान लो ये पूरा क्या है सिटी आपका, तो ये बागसेवैया थाना हो गया ठीक है, मिसरोद थाना हो गया, तो इस तरह से क्या अलग अलग थाने होते हैं ठीक है, अलग अलग क्या होता है ज्यूरिसडिक्शन होता है। बोलते ना कि वो केस जो है तो उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो अब ये तो ज्यूरिसडिक्शन समझाया मैंने आपको, दायरा समझाया, इसे हम यहां पे लगाते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग दी सेम सिटीजन, गवर्निंग दी सेम सिटीजन अंकल जी के ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट का क्या होने वाला है, रूल लगने वाला है। लेकिन ईच टीयर या फिर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि एक इंसान के ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट गवर्न करेगी उसे, लेकिन अलग अलग दायरों में गवर्न करेगी। मतलब जैसे कि इंसान का मान लो क्या, इंसान को अगर वीजा लेना है ठीक है, बाहर जाना है किसी दूसरे देश में, तो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो भी उस इंसान के ज्यूरिसडिक्शन होने वाले, मतलब उस इंसान के जो मैटर्स होने वाले हैं, वो किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आप ऐसे समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस इंसान को गवर्न करेगी ठीक है, सेम सिटीजन को, स्टेट गवर्नमेंट भी सेम सिटीजन को गवर्न करेगी, लेकिन उस सेम सिटीजन के जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स होंगे उनके ऊपर लॉज, उनके उससे रिलेटेड डिसीजंस कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि आपको वो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म चाहिए वो डिसीजन ठीक है। और वहीं पर अगर मान लो क्या हो गया, डे टू डे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई, डे टू डे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई ठीक है, तो ट्रेड की बात आ गई, तो ट्रेड तो उसे स्टेट में करना है ना, तो तब कौन गवर्न करेगा, उसे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा लेवल या फिर कौन सा टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है किन मुद्दों पर डिसीजन लेने वाला है, इस चीज को क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है। अब जरा कनेक्ट करो चीजों को, देखो आसानी से समझ में आया ना टॉपिक, अब इसको आसानी से कनेक्ट करते हैं हम। आसानी से कैसे कनेक्ट करेंगे कि देर आर टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है समझ में आया। अब दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बजाइए, ताली बजवाना है नहीं, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बनाइए क्योंकि दोनों गवर्नमेंट का अपना अपना दायरा होगा ठीक है। तो बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, दो दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजन, एक ही सिटीजन को गवर्न कर रहे हो लेकिन अलग अलग दायरों में आप क्या कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन कहाँ लॉ बनाएगा, कौन सी गवर्नमेंट का लॉ किस मेरे किस मैटर पे किस गवर्नमेंट का लॉ लगेगा ठीक है, मुझे किसको कहाँ टैक्स पे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, तो वो चीजें क्लियरली स्पेसिफाइड होती है ठीक है। अब क्लियरली स्पेसिफाइड होती कहाँ, पेपर पे लिख के दे देते नहीं ठीक है, देखो कनेक्ट करवा रहा हूँ, क्लियरली स्पेसिफाइड होती इतना हमें समझ में आ गया, चलो सर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, दोनों के अपने अपने दायरे होते हैं ठीक है, दोनों के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, दो दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजन, लेकिन ये तय कौन करता है, सवाल ये है ना, गवर्नमेंट बदलेगी तो सब बदल जाएगा ऐसे में। तो यहां पे क्या है, दी ज्यूरिसडिक्शंस आर दी ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे ऊपर कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। तो इसके चलते क्या है, अब देखो जो कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन कर, एक चीज बताता हूं मैं आपको, क्या होता है ना जब भी आप डिलेमा में फंस जाओ कि क्या सही है क्या गलत है, तो किसको अपना दोस्त बनाना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अपना दोस्त बनाना है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो ही सही है ठीक है, कौन पॉलिटिकल लीडर क्या कह रहा है, कौन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, वो सारी चीज अलग है। सबसे ऊपर आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया समझ में आता है कि संविधान क्या कहता है इस मुद्दे पे, तो आप क्या करो, संविधान जो कहता है वो चीज लिख दो, आप बहुत सेफ साइड पे हो ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहां पे क्या हो रहा है, इतनी चीज समझ में आई है, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, दोनों का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होगा, अब ज्यूरिसडिक्शन तो मिटा देंगे हम, लेकिन क्या होता है इसे मिटाया नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब हर टीयर की अपनी अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो मजाक में बदली नहीं जा सकती है, सीरियसली भी बदली नहीं जा सकती, मतलब अमेंडमेंट आ सकता है, लेकिन क्या है वो जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो बताया जा रहा है कि किसका कितना दायरा होगा, ये यूं ही नहीं बना दिया गया, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो ये फीचर हो गया तीसरा, मतलब आप किसी भी कंट्री को फेडरल कंट्री यूं नहीं कह देंगे बस कि पावर शेयर हो गई चलो हो गया फेडरलिज्म, नहीं आपको वो देखना पड़ेगा कि क्या उस कंट्री में दो और दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जी हाँ है, तो ये जो दो लेवल्स हैं ये सिर्फ लेवल्स दिखाने के लिए नहीं, इनके पास में पावर भी होना चाहिए ठीक है।
each tier should have its own area of jurisdiction. अगर वो each tier is having its own area of jurisdiction, तो उसका मतलब क्या है कि वो jurisdiction भी बस ऐसे नहीं है कि बस बोल दिया कि हाँ तुम इतना कर लेना तुम इतना कर लेना. वो क्या होना चाहिए? constitutionally guaranteed होना चाहिए. ठीक है, अब क्या होता है? constitutionally guaranteed दे दिया आपने power. अब ये power जो है ना, तो power आपने चलो बोल दो कि आज तो सर constitution में दे दिया है हमने, फिर क्या बोलोगे आज दे दो कल state के लिए बदल देंगे हम. तो ऐसा भी ना हो, ऐसे में तो फिर क्या हो जाएगा, states जो है तो states तो ऐसा रहेगा ना कि हमारे साथ तो क्या हुआ, धोखा हुआ है. मतलब आज पावर दे दी कॉन्स्टिट्यूशन में और कल बदल दिया. तो यहां पे चौथा फीचर ये भी है कि जो पावर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पावर जो दे रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ज्यूरिसडिक्शन दे रहे हो ना, तो ये क्या होगा? तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, दी फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be unilaterally changed by one level of government. ये चीज आपको ध्यान रखना है. क्या? कि जो आपने constitutionally guaranteed jurisdictions दिया है, ठीक है, जो fundamental provisions है, जो आपकी country को federal government बना रहे हैं, ठीक है, वो fundamental provisions, समझ में आ रहे हैं, वो fundamental provisions कभी भी बदले नहीं जा सकते हैं. ठीक है, तो the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. तो एक level of government इन fundamental provisions को बदल नहीं सकती है. एक level of government मतलब क्या है कि ऐसा कि central government ने सोचा कि यार state government के पास ज़्यादा power है, ठीक है, ज़्यादा federal कुछ नहीं रखता अपन तो unitary government बनाते हैं, तो वो constitution बदल देगी. ठीक है, तो बोलेगी कि हाँ constitutionally guaranteed jurisdiction था ना, लो हमने constitution से ही क्या कर दिया, हटा दिया है. तो उस चीज़ को ensure करने के लिए ये जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जो पावर शेयरिंग के हैं, जो कह सकते हैं कि जो बेसिक आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकती है. अभी आपको आगे समझ में आएगा कैसे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकती. क्यों? क्योंकि स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए रहता है अगर आपको कुछ ऐसी चीजें बदलना है. देखो, नो डाउट अमेंडमेंट कौन लाएगा? अमेंडमेंट पार्लियामेंट में आएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाएगी, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा अमेंडमेंट चाहेगी वैसा नहीं ला सकती है. और दूसरी चीज क्या है, क्योंकि जुडिशियरी भी बैठी है, अभी जुडिशियरी की बात करेंगे हम. और दूसरी चीज क्या है कि अब जैसे मान लो क्या है कि टैक्सेशन सिस्टम बदलना है, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम बदलना है, जीएसटी लाना था, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, जीएसटी लाना था, टैक्सेशन सिस्टम बदलना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रातों रात जीएसटी लगा दिया. इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस चीज से एग्री कर लेगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी तो अपना रेवेन्यू जो है वो फिर खो देगी वो. तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उस पे क्या करना होगा, एग्री होना होगा, तभी वो बदला जा सकता है. तो मतलब जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर बदल दिया, सब कुछ जीएसटी ले आए आप, लेकिन क्या है, लेकिन स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी जरूरी होता है. तो वही चीज बताई गई है कि फंडामेंटल प्रोविजंस जो है ना, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कंसेंट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इज रिक्वायर्ड. यह समझ में आया चौथा फीचर, मजेदार था. अब देखो, रटना नहीं है, ठीक है, फिर दोहरा रहा हूं, रटना नहीं है, कनेक्ट करते चलो. दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट होगा. दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट दो क्यों रखना है? क्योंकि दोनों को अलग अलग पावर दे देंगे. अभी जो पावर दे रहे हैं ना, तो हवा में नहीं देना है, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए. और जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो एक तरफा बदला नहीं जा सकता है. उसके लिए क्या है, ये जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सिंपल है, एक कहानी की तरह याद कर लिया हमने, तो देखो मजे की बात है. ठीक है, अब पांचवा देखो क्या है. अब मान लो क्या है कि यूनिलैटरली बदल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भैया बहुत पावरफुल है, उसने तो बदल दिया, अब क्या कर लोगे? ठीक है, अब क्या कर लोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट तो बदल दिया, अब क्या कर लोगे? तो इस केस में डिस्प्यूट अगर होता है ना, तो क्या होता है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल प्रोविजन है, क्या नहीं है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है, क्या स्टेट गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, मतलब पढ़ के बताना, ठीक है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है, वो किसका काम होता है? वो कोर्ट का होता है. ठीक है, कोर्ट का होता है. तो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो नो डाउट द पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर दे दी गई है, लेकिन किसकी कितनी पावर होगी अगर उस पर कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट है, तो उन डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए कौन आता है? कोर्ट्स आते हैं, मतलब सुपरमैन की तरह कौन आता है? कोर्ट्स आते हैं. तो द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ द डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आया नहीं आया क्या? कि यहां तक चारों पॉइंट में समझ में आ गए कि फंडामेंटल प्रोविजन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन मान लो बदल दिया, डिस्प्यूट आ गया, किसकी कितनी पावर होगी ये समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो गया, तब आप क्या कर लोगे? तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी चला लेगा. नहीं, इतना आसान है क्या? मनमर्जी नहीं चला सकता. क्यों? क्योंकि यहां पे कोर्ट्स जो होते हैं, तो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि किसके पास कितनी पावर होगी इन केस ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट क्या करते हैं, हाईएस्ट कोर्ट जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर, वो एम्पायर की तरह काम करते हैं, लड़ो मत. ठीक है, वो वाला का. ठीक, ये हो गया. अब उसके बाद क्या, देखो अब क्या होता है ना कि ये सारी चीजें तो हमने एक थ्रेड में बना लिया ना, चारों पांचों पॉइंट को आपने एक थ्रेड में कनेक्ट कर लिया, रटना नहीं पड़ा, याद हो गए, बताएंगे आप मुझे.
कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों को ये सारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यहां पे इस वीडियो को देखते से ही याद हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पांच। अब छठवां जो है ना, तो अब देखो क्या है कि ये सारा सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, पेपर पे अच्छा लग रहा है, काम करने के लिए तो पैसा लगता है ना। तो क्या होता है, अब काम करने के लिए पैसा लगता है तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट को भी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। कहां से आएगा, बारिश नहीं होती पैसे की। ठीक है, वो कहावत ही है कि पैसे की बारिश हो रही है। ठीक है, पैसा क्या करना पड़ेगा, पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो काम करके फिर आप वहां से पैसा लोगे। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर चाहिए, पैसा चाहिए रहेगी। ठीक है, पैसा है तो फिर पावर है। तो अब क्या होता है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या चाहिए रहेगी, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहेगा। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और हर गवर्नमेंट, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियली ऑटोनॉमस रहे। देखो इसके पीछे का कारण भी समझा रहा हूं। अगर मान लो आपने बोल दिया फेडरल सिस्टम है, पावर शेयरिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, सब कुछ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, कोर्ट्स भी हैं जो एम्पायर का काम करेंगे, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। ठीक है, फंडामेंटली जो फंडामेंटल प्रोविजन है उन्हें यूनिलेटरली चेंज भी नहीं करेंगे हम, सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को आप एक एक पैसे को तरसा दोगे तो स्टेट गवर्नमेंट तो डिपेंडेंट हो जाएगी किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वैसा स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्यों, क्योंकि पैसे चाहिए। तो इसके चलते क्या, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक जो फेडरल सिस्टम रहता है, ठीक है, फेडरलिज्म का एक फीचर ये भी होता है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कब होगी, जब ये क्लियरली स्पेसिफाइड हो कहां पे, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हो कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, दिस इज द अनदर फीचर ऑफ फेडरलिज्म की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। ठीक है, चलो तो अब ये हमने 6 फीचर्स पढ़ लिए। सातवां फीचर जो है ना, ये एक अलग चीज है, इस पर कभी कभी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। इतना ध्यान हुआ, ठीक है, इतना ध्यान हुआ एक बार में पूरा, इतना ध्यान हो गया, ये 6 फीचर्स पढ़ लिए। अब सातवां फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है, देखो, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन क्या बनता है, पता है, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन जाएंगे, 4-5 ऑब्जेक्टिव लिख देंगे आपको, 2 सेलेक्ट करना रहेंगे, बताओ। ठीक है, और थ्योरी पार्ट पे तो बनी सकता है, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो अब आपको डुअल ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखना है। डुअल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि एक तीर से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने, कैसे कि फेडरलिज्म से आपको 2 फायदे हो रहे हैं या फिर 2 ऑब्जेक्टिव है कि आप कहीं कहीं किसी भी कंट्री में अगर फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हो ना, तो उसके 2 फायदे हैं। क्या है 2 फायदे, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री क्या है, अगर मान लो जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया था, एग्जांपल, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया था, तो वहां पे क्या है, यूनिटी ऑफ कंट्री के सामने क्वेश्चन मार्क था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्यों, क्योंकि पावर शेयर नहीं हुई, लड़ बैठे। ठीक है, एलिनेटेड फील करेगी ना एक कम्युनिटी, तो वो क्या बोलेगी, बस अलग कर दो नहीं रहना साथ में। तो इस तरह से क्या है कि अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ये प्रोडेंशियल रीजन है कि आप कंट्री को अगर यूनाइटेड रखना चाहते हो ना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप पावर शेयर कर दो। पावर शेयर कर दो मतलब क्या है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज फेडरलिज्म। सो व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, देखो सिंपल सी चीज है, बिल्कुल मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल ऐसे डरने वाला एक्स वाई जेड नहीं है। आप 2 और 2 4 होते हैं ना, तो उस तरह से चलते चलो कि हमें पता है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी क्योंकि कंट्री को यूनाइटेड रखती है। वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म जब है तो फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव में से एक क्या हो जाएगा कि कंट्री को यूनाइटेड रखना है तो आपको पावर शेयर करना होगा। तेज तो नहीं हुआ, ठीक है, तो इस तरह से क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। कंट्री को यूनाइटेड रखना है तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करना होगा ताकि वो एलिनेटेड फील ना करे और भागो भागो ना बोले कि बस अलग कर दो। ठीक है, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एंड व्हेन यू आर गिविंग पावर टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छी तरह से, कंट्री हमारा प्यारा सा, ठीक है, अब बोलोगे सर गोल क्यों बनाते हो, आसान है ना, क्योंकि वो मतलब मैप तो ऐसे भी बन सकता है बड़ा प्यारा सा सुंदर सा, लेकिन हम क्या करते हैं उसको गोल इसलिए बनाते हैं, गोल इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो कि आप आसानी से कनेक्ट कर पाओ। ये बन गया, देखो तो अब क्या देखते हैं हम कि ये जो प्यारा सा देश है हमारा, इसमें हम देखेंगे मान लो सिक्किम है। ठीक है, अब सिक्किम क्या है, सिक्किम में अलग कल्चर है, सिक्किम में अलग क्या कह सकते हैं कि वहाँ का उस रीजन के लैंग्वेज, उस रीजन का कल्चर, उस रीजन के लोगों की जो कह सकते हैं कस्टम्स वगैरह है, वो अलग है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आप सिक्किम को पावर नहीं दोगे, ठीक है, और मार पीट के रोको बोलोगे कि नहीं नहीं इंडिया का ही पार्ट बना रहे, इंडिया का पार्ट बना रहे, तो क्या होगा, बूंद बूंद से घट भरता है। एक समय के बाद में क्या है कि एक समय के बाद में वो सक्सेशनेटिंग टेंडेंसीज जो है ना, अलग होने की जो टेंडेंसीज है वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो यूनिटी के सामने क्वेश्चन मार्क तो बनेगा बनेगा। और साथ साथ में क्या है कि यहाँ की जो कह सकते हैं जो रीजनल ऑटोनॉमी है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, आप क्या है उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो। मैंने आपको एक चीज क्या बताई है बहुत अच्छी सी, कि
it is not our differences that divides us, it's our inability to celebrate those differences which divides us. ठीक है, तो हम क्या करें कि इस diversity को क्या करें, incorporate करने की कोशिश करें. और वो साथ में कब आएंगे कोई भी, देखो अच्छा आपको एक बात बोलता हूँ, चलो business करते दोनों मिलके, ठीक है, और business करते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सर तो क्या है पूरा profit खुद रख लेंगे, मुझे कुछ नहीं देंगे, तो आप business करोगे क्या, बताओ? नहीं करोगे ना. अगर इसके बावजूद भी आप करना चाह रहे हो तो प्लीज कॉल मी आफ्टर दी लेक्चर. ठीक है, तो बाकी अगली चीज क्या है जो बता रहे थे, तो हर आदमी क्या देखता है, हर आदमी एक तरह से ये तो देखता है ना कि उसे क्या फायदा है. तो जब आप क्या कर रहे हैं, एक यूनियन बना रहे हैं, एक फेडरेशन बना रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को पावर दोगे, उनकी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करोगे, तभी तो वो आपके साथ आएंगे. ठीक है, तो व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म? पहली चीज तो आपकी कंट्री यूनाइटेड रहेगी, बची रहेगी. दूसरी चीज क्या है, जो डाइवर्सिटी है ना उसे भी ऐसा लगेगा कि यार उसके साथ गलत नहीं हो रहा, उसका भी भला हो रहा है. वो डाइवर्सिटी को आप अकोमोडेट कर पाओगे जब आप क्या करोगे, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, जब आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे पावर को शेयर करोगे. तो आया समझ में, मजा आया? ठीक है, सो दिस वाज द होल स्टोरी. व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स? ये डुअल ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखना. तो अगर हम फीचर्स को कंक्लूड करें, अगर आइडियल फेडरल सिस्टम को समझने की कोशिश करें, तो टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. एंड व्हाट आर दोस टू एस्पेक्ट्स? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये पहला एस्पेक्ट हो गया. दूसरा क्या है, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है, मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज तो क्या, आपको एक ट्रस्ट देखना पड़ेगा. एक मतलब गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री, एग्री मतलब क्या है कि आपको एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ में राजी होना पड़ेगा कि हाँ हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ दिस of the agreement. ठीक है, तो we can conclude with this that the ideal federal system, जो ideal federal system होता है वो दो pillars पर based होता है, mutual trust and agreement to live together. पहली चीज तो central government और state government दोनों एक दूसरे के ऊपर trust करें, और उसी के साथ साथ में क्या, और trust करने के साथ साथ में एक agreement हो उनके बीच में, जैसा constitution एक बहुत अच्छा agreement है कि हाँ वो एक साथ रह सकते हैं. बेसिकली आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, आपने फेडरलिज्म समझा, यूनिटरी सिस्टम समझा, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म छह और एक साथ, साथ के साथ आपने क्या कर लिए, फीचर्स समझ लिए. अब एक और चीज जो है फेडरलिज्म के अंदर जो आपको समझना चाहिए, तो अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ जो एक लाइन का फेडरलिज्म है उसे ऐसे समझा जा सकता है, तो वो एक लाइन का फेडरलिज्म आपने समझ में आया ना. तो व्हाट इज फेडरलिज्म? तो अब व्हाट इज फेडरलिज्म, एक जो इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में रह जाती है वो क्या है कि अलग अलग फेडरल सेटअप होते हैं. जैसे यूएसए भी एक फेडरल कंट्री है और इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, लेकिन दोनों ही अपने आप में अलग फेडरल कंट्री है. ठीक है, मतलब यूएसए का फेडरल सेटअप और इंडिया का फेडरल सेटअप दोनों अलग है. कैसे? तो देखो इस चीज को समझते हैं. द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. ठीक है, तो यूएसए और इंडिया दोनों ही फेडरेशन है. ठीक है, दोनों ही फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करता है. तो लेकिन जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है, जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ फेडरलिज्म है ना, दोनों कंट्री में वेरी करता है. ठीक है, वेरी करता है. वेरी क्यों करता है कि अलग अलग हिस्टोरिकल रूट्स होते हैं कि कौन कैसे फेडरेशन बना है. ठीक है, किसका पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, उस हिसाब से चीजें डिपेंड करती है. तो ब्रॉडली अगर हम समझें तो देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड. दो तरह के रूट्स होते हैं फेडरेशन बनाते समय, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, एक होल्डिंग टुगेदर. अब सुनो मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरी पार्ट पे भी, मल्टीपल चॉइस पे तो कहीं से भी बन सकता है. और वो तो कंसेप्ट पकड़ लिया, क्वेश्चन अपने आप पकड़ में आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब बोलते ना कि क्वेश्चन की जान, जैसे एक पहले हातिम वगैरह एक प्रोग्राम आता था हम जब छोटे थे, तो उसमें ऐसा रहता है कि क्या जादूगर की जान कहाँ है, तोते में है. तो उसी तरह से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आने वाले हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, तो वो क्या है, जादूगर है, और उसकी जान किसमें है, कंसेप्ट में है. तो कंसेप्ट पकड़ लिया तो अपने आप वो क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखो क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, दो फेडरेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो कमिंग टुगेदर मतलब साथ आना. ठीक है, तो अब द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी कि क्या हो रहा है कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जो है ना वो एक साथ आ गए. उन्होंने क्या कर लिया, एक साथ आने के बाद में एक फेडरेशन बना लिया. फेडरलिज्म यहां पे भी है, मतलब क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, स्टेट गवर्नमेंट सब एक साथ आ गए, उन्होंने एक बड़ा यूनिट बना लिया. ठीक है, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. देखो एक एक शब्द जो होता है ना वो अपने आप में एक्सप्लेनेशन होता है, और यही मजा है पता है एनसीईआरटी के बुक का. जिन्होंने भी बुक बनाई है एनसीईआरटी प्रोफेसर्स के नाम आगे लिखे हैं, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो आप उनकी जब मतलब देखोगे ना, तो उन्हें क्या है, उन्हें पूरा अपना जीवन भर का एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने इन किताबों के थ्रू क्या कर दिया, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है. तो एक एक शब्द जो होता है ना, अगर उस पर बैठ के चिंतन किया जाए तो आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है. क्या कह रहे हैं,
इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए सब एक साथ आते हैं, ठीक है। बड़ा यूनिट क्यों बनाना है, ताकि क्या, वो अपनी अपनी सोवरेनिटी को पुल कर रहे हैं, पुलिंग रिसोर्सेज मतलब, ठीक है। तो पुलिंग रिसोर्सेज मतलब क्या है कि एक छोटा स्टेट में था, एक छोटा स्टेट ये था, एक छोटा स्टेट ये था, ठीक है। तो संगठन में शक्ति है, तो हम तीनों एक साथ आ जाएंगे, तीनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या है, अब तीनों एक साथ आए तो ऐसा नहीं कि हम तीनों एक में ही मिल गए, वो है और मैं हूं, ठीक है। तो हम तीनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी भी है, रिटेनिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अपनी अपनी रिटेन करके रखिए। जैसे आप देखोगे यूएसए है, यूएसए के जो स्टेट्स हैं तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलती है, मतलब आप उस स्टेट के सिटीजन हो, स्टेट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आप यूएसए के भी सिटीजन हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जा रहा है, यूएसए, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबने मिला के सोवरेनिटी एक कर ली है, मतलब कि वो अब एक बड़ा यूनियन बनाने जा रहे हैं, ताकि जिससे वो बड़े दिखें, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह का फेडरेशन जब बनता है ना, जब कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एक साथ आके अपनी सोवरेनिटी कह सकते हैं को पूल करते हैं, उनकी आइडेंटिटी को वो सेपरेट रखते हैं, आइडेंटिटी को बचाए रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक बड़ा ग्रेट यूनियन बनाते हैं, ठीक है, ग्रेट फेडरेशन बनाते हैं, ग्रेट फेडरेशन बनाते हैं, जिससे उनकी पावर, उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। So this type of federation is known as coming together federation. इसे coming together federation कहा जाता है। Example, USA, Switzerland, Australia, ये नाम ध्यान रखना multiple choice question में, ठीक है, पक्का ईमानदारी से बता रहा हूं मैं कि आपको ये questions, मतलब ये जो question आएंगे, तो इसमें country के example तो पूछ ही लेंगे, for sure पूछ लेंगे। और आप में से काफी सारे लोगों ने exam अगर school में दिए हैं तो आपको याद भी होगा, मतलब आपने observe भी किया होगा कि आए हैं ऐसे question, ठीक है। USA, Switzerland और Australia क्या है, coming together के example है। अब आप एक निंजा टेक्निक बताता हूं, आप तो सिर्फ यूएसए याद रख लो, यूएसए कमिंग टुगेदर का और इंडिया को होल्डिंग टुगेदर का याद रख लो, अब उसके साथ जो पेयरिंग बनती है ना, तो वो और आसान हो जाता है, रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑल दी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ावेस द फेडरल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि यहां पे क्योंकि स्टेट्स मिले हैं उससे देश बना है, स्टेट्स मिले हैं उससे देश बना है, तो हर स्टेट जो है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो है, सबकी बराबर बराबर पावर है, कोई बड़ा ना कोई छोटा, ठीक है, सबकी बराबर बराबर पावर है। और स्टेट्स जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या है कि वो जब नेशनल कॉमन इंटरेस्ट की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिखने लगती है, बाकी स्टेट जो है तो स्टेट्स डोमिनेंट पोजिशन पे रहते हैं अपने, ठीक है। अब लास्ट देखो क्या है, मतलब जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किस चीज की बात करते हैं, तो अब ये उल्टा हो गया कमिंग टुगेदर से। होल्डिंग टुगेदर में मतलब क्या है कि किसी ने होल्ड करके रखा है फेडरेशन को, कमिंग टुगेदर में क्या है कि स्टेट्स एक साथ आए, दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में किसी ने होल्ड करके रखा है, कौन है ये इंसान, मतलब किसने होल्ड करके रखा है, तो यहां पे एक लार्ज कंट्री जो रहता है ना इंडिया जैसा, अब वहां पे क्या है, वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट सबको संभाल ले, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा क्या कर देती है, डाइल्यूट कर देती है, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। तो पावर का स्टेट्स को देना मतलब फेडरलिज्म हो गया वो, ठीक है, पावर का स्टेट्स को देना वो फेडरलिज्म हो गया, लेकिन दे कौन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे क्या है, एक तरह से आप देखोगे सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्टेट बना रहा है, जैसे आप देखते हो ना कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट को कार्व आउट करती है कि चलो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को निकाल दो, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाल दो, ठीक है, मतलब एक स्टेट और बना दो। तो यहां पे क्या हो रहा है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो एक नेशनल गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर को डिसाइड करती है कि वो डिवाइड करना चाह रही है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, बेल्जियम में भी हमने यही देखा कि बेल्जियम क्या करता है, अपने आप को एक यूनिटरी गवर्नमेंट से एक फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट करता है, कैसे, तो वो डिसाइड करता है ना कि वो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक तरह से पावर जो होती है शेयर की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को, यहां कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एक साथ आके सेंट्रल अथॉरिटी को पावर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल हो गया। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ावी द स्टेट्स। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावर दे रही है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल दिखती है, ठीक है। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब इस पे क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट करने को, बच्चे बोलते हैं सर दो दो पॉइंट है, एक एग्जांपल लिख देंगे, एक थ्योरी लिख देंगे, बाकी क्या लिखें, और तीन नंबर में क्वेश्चन आ गया क्या लिखेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि होल्डिंग टुगेदर में क्या, मतलब कमिंग टुगेदर में कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में बराबर पावर होती है, होल्डिंग टुगेदर में क्या है, कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स जो होता है उनके बीच में बराबर पावर नहीं होती है। आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह हो रहा है कि आप देखो कि कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, कुछ स्टेट्स के पास में कम पावर है, सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ये वही, ठीक है। तो दी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ावेज़ दी स्टेट्स, फाइन। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी ध्यान रखना है। तो वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स
ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स. तो कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर दी जाती है कहां पे, ठीक है, ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में. तो वन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपको ये मिल जाएगा कि यहां सब बराबर, यहां छोटे बड़े, ठीक है. सो दिस वॉज द होल स्टोरी. ध्यान रखना, कमिंग टुगेदर में यूएसए, होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, और आपका काम आसान. तो इसके साथ में हम यहाँ वीडियो खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें फेडरलिज्म तो समझ में आ गया सर बहुत अच्छी तरह से. व्हाट इज फेडरलिज्म, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया. अब व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरलिज्म, ठीक है, व्हाई वी आर सेइंग इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. तो क्वेश्चन बहरूप यह है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इंडिया अगर फेडरेशन है, फेडरलिज्म है इंडिया में, तो क्यों है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आप कहेंगे सर हर टॉपिक इंटरेस्टिंग, जी हाँ. तो देखो क्या है ना, आपको ये टॉपिक की सिग्निफिकेंस पहले समझना, पहले टॉपिक को कनेक्ट करो, तभी इंपॉर्टेंट और तभी बहुत आसान बनेगा, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ट्राई टू कनेक्ट द टॉपिक फर्स्ट. कैसे कनेक्ट करना है, अभी पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ के आए हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है कि एक फेडरलिज्म या फिर एक फेडरल कंट्री क्या होता है, व्हाट इज अ फेडरलिज्म, ये हम जान चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं. अब हमें क्या करना है, अब हमें चीजों को ऐसे समझना है कि हाँ फेडरलिज्म के फीचर्स वो है, वो साथ जो पढ़ के आए हम. क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अब हमें यह समझना है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो जी हाँ इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बड़ी आसानी से बोल दिया. लेकिन ये इतने आसानी से बोला, इसे प्रूफ कैसे करोगे, तो जो फेडरलिज्म की डेफिनेशन में आता है सब कुछ, जो फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स इंडिया में रिफ्लेक्ट होंगे, तो इंडिया एक फेडरल कंट्री बन जाएगा, ठीक है. तो आपको अब क्या करना है, आपने फेडरलिज्म को समझ लिया है, अब जिस फेडरलिज्म को आप समझ के आए, क्या वो फेडरलिज्म इंडिया में है. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या कि फेडरलिज्म तो आप समझोगे ही समझोगे, वो तो चैप्टर का कोर है, लेकिन आप फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी समझोगे. तो अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मतलब अगर आप फेडरल कंट्री को जानते हो कि एक फेडरल कंट्री क्या होता है, तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो क्यों है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, वो आपको समझाना होगा. आया समझ में, ठीक है. अब देखो एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक बार के लिए सुनो, अच्छे से सुनो, ये वाला टॉपिक और इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो, कौन सा वाला, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड और हमारी तरफ से ऐड कर लो इन इंडिया, ठीक है. तो क्या होता है, मैंने देखा है अपने इतने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक्स में थोड़ा सा भी ट्विस्ट करो तो बच्चे भी ट्विस्ट हो जाते हैं कि सर बस हाथ खड़े करते हैं हम. देखो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है, आपको उसको अच्छे से समझना होगा. यहां क्या पूछा जा रहा है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, मतलब यहां एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहां आपको बताना होगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है, ठीक है. यहां आपको बताना होगा कि व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इज इंडिया हैविंग दोज फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अ फेडरल कंट्री, वो फेडरल फीचर्स है इंडिया में नहीं है. तो आपको ये प्रूव करना होगा कि हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है, ये यहां पे प्रूव करना होगा. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि व्हाट हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, मतलब वहां नेक्स्ट टॉपिक में उन्होंने मान लिया, आपने प्रूव कर दिया ना कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. अब नेक्स्ट टॉपिक में ये पूछा जाता है, इंडिया फेडरल कंट्री तो है, लेकिन इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है. आया समझ में, दोनों में अलग अलग चीजें हैं. मतलब यहां ये मान लिया है कि इंडिया, मतलब यहां इस टॉपिक में माना नहीं है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहां आपको प्रूफ करना है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है. अगले टॉपिक में ये मान लिया गया है, मतलब अगले टॉपिक और पढ़ेंगे तब और क्लियरिटी आ जाएगी आपको कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. लेकिन अब फेडरल कंट्री तो है, लेकिन फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है. और अगर कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा. अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, अभी तक जितना भी हमने सब कुछ बोला इसको भी एक साइड रख दो, अब यहां से हम हमारी क्लास चालू करते हैं, मतलब ये टॉपिक. तो देखो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल्दोह इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है. दिस इज द एसेंस, दिस इज द एसेंस, दिस स्टेटमेंट इज द एसेंस. आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि आप जब हमारा प्यारा संविधान उठाते हैं, आर्टिकल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया. तो मतलब इंडिया भारत दोनों ही एक देश के नाम है, पहली चीज. दूसरा क्या है, शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब आप इसको शैल, मैं नहीं बोल रहे, शैल मतलब क्या होता है, देखो ऐसे पढ़ा जाता है संविधान को, एक एक शब्द अपने आप में क्या लेके चलता है, एक एक शब्द अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन लेके चलता है. शैल मतलब होना ही होना है, ठीक है, यू शैल डू इट, यू मे डू इट मतलब कर लेना या फिर नहीं भी करना, यू शैल डू इट मतलब करना ही करना है. तो आर्टिकल वन हमारा क्या कहता है, पता है, कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया. तो वहां पे वर्ड फेडरेशन इस्तेमाल नहीं हुआ है जैसा यूएसए के केस में है, लेकिन फिर भी हम क्या लेके चल रहे हैं, फिर भी हम ये लेके चल रहे हैं कि इंडियन यूनियन जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म,
ठीक है, दो वी हैव मतलब स्पेसिफिकली वी हैव नॉट मेंशनड दैट इंडिया इज अ फेडरेशन या फिर इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन इंडिया के जो पॉलिटी है, इंडिया की जो सेटअप है ना, पॉलिटिकल सेटअप जो है, उसमें आपको स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म देखने को मिलेंगे, वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो एक कंट्री को फेडरल कंट्री बनाते हैं, जो नहीं होंगे तो वो कंट्री एक यूनिटरी कंट्री हो जाएगा श्रीलंका की तरह, ठीक है। तो अब यहां से हम अगर देश देखें तो हाँ, हमें इतना पता है कि हमने डायरेक्ट फेडरेशन या फिर फेडरलिज्म वर्ड नहीं मेंशन किया है, लेकिन वी आर हैविंग द स्पिरिट ऑफ, वी आर हैविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। वो प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म कहां है, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म कहां देखने को मिलेंगे, तो जो आपने फीचर्स पढ़ के आए थे ना, टू और, चलो रिकॉल करते हैं 7 फीचर्स, टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन तो है ही है, उसी के साथ साथ में क्या है कि जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है तो वो क्या है कि सेम सिटीजन्स को मतलब गवर्न करेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होगा, और वो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, उसे बदला नहीं जा सकता है। ये सारे फीचर्स आप पढ़ के आए थे ना, तो वो जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म थे, तो डू दोज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है कि इंडिया इज अ फेडरेशन, लेकिन आप प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म होना चाहिए। तो क्या वो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर है तो कैसे हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो एक एक करके, तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, पहला पॉइंट, पहला फीचर क्या था, टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या इंडिया में है वो? जी हाँ। तो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्योंकि इंडिया में वो फीचर है, वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म है, आया ना समझ में। तो क्या है, दी Constitution originally provided for two-tier system of the government, the union of government or what we call the central government representing the union of India and the state government. तो शुरुआत से ही क्या है, जो principle of federalism, जो एक feature of federalism है, था, वो इंडिया में है। कौन सा feature of federalism जो होता है, एक वो होता है टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। और आपको देखने को मिलेगा कि जब संविधान बना तब से ही सेंटर और स्टेट अलग अलग दो टीयर्स के बारे में स्पेसिफिक, उनकी पावर्स वगैरह सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। तो ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के साथ में ट्यूनिंग हो रही है इस चीज की, ठीक है। और इनफैक्ट क्या होता है, टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट तो थे ही, एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट एड ऑन हुआ है, जो आप कहां पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वही है। तो लेटर अ थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो पंचायत्स और म्युनिसिपैलिटीज के फॉर्म में क्या होता है, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी हमारी कंट्री में ऐड किया गया। तो टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला फीचर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला फीचर जो है ट्यूनिंग में देखने को मिल रहा है। तो यस, द फर्स्ट फीचर इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज मेकिंग इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, दिस मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन jurisdiction specified in the constitution. अब हमने क्या पढ़ा था features of federalism में, recall करते चलो, connect करते चलो, कि हर tier का अपना अपना क्या होना चाहिए, area of jurisdiction होना चाहिए। Though the different levels of government, different tiers of government governs the same citizens, ठीक है। तो एक ही नागरिक होने वाला है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी, लोकल गवर्नमेंट भी, लेकिन हर गवर्नमेंट का अपना अपना दायरा होता है कि आपको उस नागरिक के किन अधिकारों पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्न करना है, किन दायरों पे क्या स्टेट गवर्नमेंट को गवर्न करना है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, उस कंटेक्स्ट में अगर हम समझे, तो ईस्ट टीयर ऑफ गवर्नमेंट has its own jurisdiction specified in the constitution. Constitution में specified है, इसको unilaterally नहीं बदला जा सकता, अभी पढ़ेंगे, जो third feature है, ठीक है। तो अब fourth feature जो है, लेकिन आपको अगर यहाँ चीजों को समझना है, तो ये क्या कह रहा है कि हाँ, इंडिया में वो point भी है जो एक federal country में होना चाहिए, कि area of jurisdiction जो होना चाहिए वो specified होना चाहिए, ठीक है। तो the constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers बिटवीन दी यूनियन गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक थ्री फोल्ड, देखो अब ये थ्री फोल्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की बात की जा रही ना, ये ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, नहीं नहीं, ठीक है, ये मिसकंसेप्शन मत पालना। देखो कुछ भी पालो, गलत फहमी मत पालो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बच्चे ये सोच लेते थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, नहीं, यहां पे क्या है, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की बात की जा रही है, सेकंड फीचर की बात की जा रही है। टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट तो हो गया, यहां पे टिक कर दो। दूसरा क्या है कि एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उस ज्यूरिसडिक्शन को स्पेसिफाई करता है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, मतलब यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर्स है, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, वो मेंशन है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी पावर स्पेसिफाइड है, और कंकरेंट लिस्ट में जो लोकल गवर्नमेंट है, नहीं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट नहीं, कंकरेंट लिस्ट में ऐसा ऐसे ज्यूरिसडिक्शन है जिसपे
यूनियन और स्टेट दोनों मिलजुल के क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप बोलोगे सर लोकल गवर्नमेंट का कहां गया, तो लोकल गवर्नमेंट का भी क्या है, मतलब जो पावर्स है वो स्पेसिफाइड है म्युनिसिपैलिटीज, और जैसे आप शेड्यूल्स पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं पार्ट्स हैं शेड्यूल्स हैं, तो ये सेवंथ शेड्यूल में ये तीनों लिस्ट दी गई है, ठीक है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं, वो सारे मैटर्स हैं, चलो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट समझा देता हूँ। और जो लोकल गवर्नमेंट का सोच रहे हो सर उनका क्या विचार होगा, तो 11th और 12th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत जो है तो उनके पावर के बारे में बताया गया है, ठीक है। खैर वो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखना, आपको स्पेसिफिक रखना, क्वेश्चंस यहां से आएंगे आपके, बाकी जस्ट फॉर नॉलेज तो क्या है, तो स्काई इज द लिमिट, जितना पढ़ना चाहो जितना जानना चाहो उतना जानो, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। आगे बढ़े हम, तो अब जैसे क्या है ये चीज समझ में, पहला फीचर सेट हो रहा है, पहला फीचर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहा है, एंड दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। दूसरा फीचर जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहा है, एंड दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब जैसे आप देखेंगे तो ईच टीयर हैव इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, तो वो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन और स्टेट दोनों के मिला जुला करके थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की, चलो तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, देखो यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। ये चीज ध्यान रखना कि यूनियन लिस्ट में क्या आ रहा है, यूनियन लिस्ट में जैसे अगर आप देखोगे तो अब आप कनेक्ट करो जरा फीचर से, मैंने क्या बताया था कि फेडरलिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, और जो नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी उसके पास कौन से सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे। तो अब देखो जरा, डिफेंस हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी कंट्री की डिफेंस एक साथ, मैंने क्या बताया था, ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलोगे कि केरला के पास में केरला की आर्मी संभाल लेगी सब कुछ, नहीं ना, पूरी कंट्री की डिफेंस नेशनल गवर्नमेंट संभाल रही है, ठीक है। तो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन अफेयर्स बहुत जरूरी है, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट बन जाता है। इमेजिन करो एक सिचुएशन, अगर फॉरेन अफेयर्स को हम क्या स्टेट लिस्ट में डाल देते और बोल देते कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर ले, फॉरेन अफेयर्स अपने अपने मैनेज कर ले, तो पता लग रहा है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ में कुछ डील करके बैठ गए, तो फिर क्या है जो बाकी स्टेट्स होने समझ में नहीं आई वो, तो बड़े क्योस डेवलप हो जाते हैं। तो उसके चलते क्या है कि आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब जहां पे आपको यूनिफॉर्म लॉस चाहिए रहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि पूरे ऊपर से नीचे तक एक जैसा सेटअप चाहिए रहेगा, तो वहां पे वो सारे सब्जेक्ट्स को आप यूनियन लिस्ट में डालेंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में डालेंगे। बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, सब अपनी अपनी करेंसी लेके घूम रहे हैं हर स्टेट में, फिर क्या है खिचड़ी बनना है। तो उसके चलते क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट दी कंट्री। तो पूरे देश भर में आपको क्या चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसीज चाहिए रहती है, इसी कारण से ये सारे सब्जेक्ट्स किस में जाते हैं, यूनियन लिस्ट में जाते हैं, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशनड इन द यूनियन लिस्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशनड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशनड है उन पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशनड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। आया समझ में, तो यहाँ यूनियन गवर्नमेंट की कहानी ध्यान रखना, ठीक है, कि यूनियन लिस्ट में जो लॉ सब्जेक्ट्स होंगे उन पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, सिंपल है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आएंगे उन पे कौन लॉ बनाएगा, सिर्फ स्टेट बनाएगी, एस सेम एस यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब क्या, लेकिन अगली चीज, सब्जेक्ट कौन से होंगे, देखो तो सब्जेक्ट जो होंगे, तो स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट नहीं जाएंगे। जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस में क्या हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटका पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, मध्य प्रदेश पुलिस हो गई, देखा ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है तो स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे मैनेज किया जा सकता है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी स्टेट लिस्ट में आ जाएंगी, ठीक है। अब फिर क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। अब तीसरी लिस्ट आई कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो ये लिस्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है थ्योरी पार्ट पे, सब पार्ट में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सारी चीजें पढ़ो, ठीक है। देखो कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, तो इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है। जैसे एजुकेशन की बात करें, हम फॉरेस्ट की बात करें, ट्रेड यूनियंस की, मैरिज की, अडॉप्शन की, सक्सेशन की, एक एग्जांपल उठाओ जैसे एजुकेशन, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई, ठीक है।
तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंसर्न है कि देश में शिक्षा जो है उसका स्तर सुधरे या फिर जो भी मतलब अरेंजमेंट करना है उसके लिए, ठीक है, भीड़े नहीं कहेंगे। फिर क्या है, स्टेट्स की अगर बात करें तो स्टेट्स भी सोचती है यार कि हमारा स्टेट बोर्ड जो है वो अच्छा पढ़े, वो मतलब आप इसको CBSE और स्टेट बोर्ड के बीच में मत लिमिटेड रखना, बाकी इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि स्टेट्स जो है वो भी फोकस करते हैं, जैसे साउथ, नॉट जनरलाइजिंग लेकिन बता रहा हूँ कि सदर्न स्टेट्स जो है वो क्या है, वहाँ पे आप देखोगे कि एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स जो है तो वहाँ पे उतना फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से कुछ ऐसे मुद्दे जो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए ही सिग्निफिकेंट होते हैं उन मुद्दों को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। अभी एक बहुत जोर से सवाल आया होगा आपके मन में, ठीक है, वो क्या आया होगा कि सर स्टेट ने भी लॉ बना दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, अब किसकी मानेंगे, किसकी चलेगी, मतलब ठीक है सिंपल सी भाषा में किसकी चलेगी। तो यहां पे क्या है, तो लॉ दोनों बना सकते हैं, बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, मतलब कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर दोनों लॉ बना दे, ठीक है। इफ दी लॉज कंफ्लिक्ट विद ईच अदर, तो आप बोलोगे सर जुडिशियरी के पास, नहीं नहीं जुडिशियरी के पास अभी नहीं जाना है, जुडिशियरी का तो काम ये है, जुडिशियरी ये बताती है किसकी कितनी पावर है, ठीक है, और ये तो स्पेसिफाइड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि कंकरेंट लिस्ट पे लॉ दोनों बना सकते हैं, और अगर लॉ बनाते समय कंफ्लिक्ट आता है कुछ, ठीक है, तो अगर पावर से बाहर जाके लॉ बना रहे तो जुडिशियरी संभालेगी, लेकिन अगर पावर से बाहर जाके नहीं बना रहे हो और दोनों ने ही एजुकेशन वाले मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया है ना, तो अब क्या होगा, किसका लॉ प्रिवेल करेगा, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। तो अगर कंफ्लिक्ट आता है या फिर ओवरलैपिंग होती है तो हुज लॉ विल प्रिवेल, तो लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आए होंगे दौड़ के, और ठीक है मतलब और भी सवाल आएंगे, सवाल आ रहे हैं मतलब बहुत सही है। सवाल क्या आया होगा कि चलो सर ये समझ में आ गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होंगे मतलब जो नेशनल मतलब कह सकते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स होंगे वो सेंट्रल लिस्ट में मतलब यूनियन लिस्ट में चले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लोकल लेवल के हैं थोड़े से स्टेट लेवल पे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में चले गए। दोनों ही मतलब ऐसे हैं कि जो दोनों के लिए ही कंसर्न है यूनियन और स्टेट के लिए, तो उन्हें हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। अब कुछ मुद्दे ऐसे भी तो होते हैं जो संविधान के बनने के बाद में आते हैं, जैसे संविधान के बनने के बाद में क्या होता है आप देखोगे तो कुछ रेसिडरी सब्जेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, क्या हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सवाल आया होगा ना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संविधान बना जब जिस समय में 46-49 तक, तो उस टाइम पीरियड में तो कंप्यूटर जैसा कुछ था नहीं, आज कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ नहीं है, ये कहाँ जाएगा। तो ऐसे इशूज, ठीक है, तो ऑल दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट एंड केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद में जो आए ना वो किधर जाएंगे, वो रेसिडरी सब्जेक्ट कहलाएंगे, और इस पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन देम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया दूर रहो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो सारे सब्जेक्ट जो कब आए, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में, सो ऑल दो सब्जेक्ट्स विच इमर्ज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग पावर टू formulate laws on those subjects and those subjects fall under the category of residuary subjects. Is that clear? अब एक चीज बताता हूँ, देखो मुस्कुराओगे अभी, अब बोलते हैं सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो चलो पता है बुक में लिखा है, तो इसके अलावा और क्या है ऐसी चीजें जो संविधान बनने के बाद में ही, और एग्जाम्पल बताओ, तो जैसे ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, ई कॉमर्स के बाद में आप क्या देखेंगे, तो आईटी से जुड़े हुए मतलब सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया देखो तो अब सोशल मीडिया का आना कब हुआ, तो अभी मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है कि 1990s के बाद में सोशल मीडिया जो है बूम पे आया। अब क्या होता है इससे जुड़े हुए लॉज कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपने देखा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पीछे पीछे घुमा करती है ट्विटर के, वो लॉ बना रही है, वो उसको बैन करने की बात कर रही है, सारी चीजें, तो वो एज मिल गई, क्यों, क्योंकि वो रेसिडरी सब्जेक्ट हो गया, आया ना समझ में। तो ऐसे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दूसरा फीचर है, अभी मतलब हम यही बात कर रहे हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो पहला फीचर तो ट्यूनिंग में है, दूसरा फीचर भी क्या है कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होगा, तो शेड्यूल 7 के अंदर आप देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो सारी चीजें, और उसके बाहर जो है तो वो रेसिडरी लिस्ट में आ गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर हम देखें, तो जैसे एक और फीचर क्या हो जाता है होल्डिंग, मतलब आप समझना कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, तो हमने ये भी आपको समझा दिया कि हाँ पॉइंट अगर थर्ड फीचर से आप रिलेट करोगे तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, हमारे संविधान में दिया हुआ है। फिर क्या होता है, फिर अगर जैसे अगर आप देखेंगे तो जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं
वो क्या है, वो यूनिलैटरली नहीं बदली जा सकती। तो वो चीज भी डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल प्रोविजंस जो है वो यूनिलैटरली बदला नहीं जा सकता है। लेकिन उसके पहले और देखेंगे, तो हमने क्या देखा था फेडरलिज्म में, एक चीज हमने ये भी सीखी थी कि अलग अलग रूट्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। तो इंडिया कौन सा फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर है? इंडिया होल्डिंग टुगेदर में है, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने क्या देखा था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। इक्वल पावर नहीं होता हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट के पास में, जैसा कि कमिंग टुगेदर में क्या होता है, हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट मतलब हर स्टेट के पास इक्वल पावर है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट के पास इक्वल पावर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, मतलब सेम सेम पावर नहीं होता है, ठीक है। सेम सेम पावर क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देना पड़ते हैं, ठीक है। तो सम स्टेट्स मे इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, एक्सप्लेन। अब ये स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं हम, आप सभी लोग इस चीज से परिचित हैं और इस चीज के मतलब मेजोरिटी ऑफ यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस ऑल्सो। मतलब बुक में तो सर लिखा है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, अब कहाँ है, ठीक है, अब तो गया, तो अब क्या लिखे हम, कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स है, मतलब और ये कंफ्यूजन भी एक सिली कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि आपको सिंपल लिखना है कि अर्लियर लिख दो बस, कि अर्लियर वी यूज टू हैव, अर्लियर जम्मू कश्मीर यूज टू हैव अ स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370, ठीक है, जिसे अभी रिवोक कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप देखेंगे तो डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता था, कोई मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो 35A जो था, ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस होते थे टू दी सिटीजंस या फिर टू दी पर्सन लिविंग इन दी जम्मू कश्मीर। सिटीजन तो वो भी इंडिया का ही होगा ना, लेकिन वो क्या है, जम्मू कश्मीर के जो रेसिडेंट्स रहते थे तो उनके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या होते थे, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते थे, एक्स्ट्रा राइट्स होते थे, आया ना समझ में। अब बात करें तो जैसे आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी चले जाओ, ठीक है, तो वो क्या है, वहां पे भी आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में हो गया या फिर कुछ जो ट्राइबल स्टेट्स हैं वहां पे आप जैसे देखोगे तो उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया एक फेडरेशन, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में तो हमने आपको बताया था क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक तरह से एक सेंट्रल यूनियन जो रहता है, ठीक है, एक सेंट्रल कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो रहता है वो क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग दी वेरियस अदर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है, एंड दी स्टेट्स या फिर कहेंगे जो दूसरे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, दे डू नॉट हैव द सेम पावर, ठीक है, एंड विच इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन केस ऑफ इंडिया। सो दिस मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको दिख रहा है ना, इसीलिए इंडिया क्या है, इसीलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है, आया समझ में, ठीक है। तो चलो ये हो गया एक पॉइंट, फिर और जैसे देखें तो अब क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट्स के पास एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हैं, मतलब कुछ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास में स्पेशल पावर्स और कुछ के पास नहीं भी है। तो कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी देखोगे आप कि इंडिया में क्या है, इंडियन यूनियन में, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म में अगर हम देखें कि इंडिया में जो प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के हिसाब से क्या है कि कुछ पार्ट्स जो है वहां पे पावर स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जिनकी पावर को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी क्या है, तो यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, इनके पास में खुद की पावर ज्यादा नहीं होती है, तो कौन ले लेता है इनकी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकी पावर लेके बैठ जाता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी मतलब कह रहा है कि वो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसकी टेरिटरी है, ठीक है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी ऑफ दी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब सीधी सी कहानी कि ये इतने छोटे हैं कि इनको स्टेट भी नहीं बना सकते, जैसे बोलते हैं ना कि अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हो गए कि तुम अपने निर्णय खुद ले लो, और फिर ऐसा भी बोल देते हैं पेरेंट्स क्या कि तुम अभी इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम्हें यह समझना है, ठीक है। तो फिर हम सोचते हैं कि हम करें क्या, बताओ ना इधर पहुंचा रहे हो ना उधर पहुंचा रहे हो, होता है ऐसे बच्चों के साथ में, वही यूनियन टेरिटरीज के साथ में है, क्या कि यूनियन टेरिटरीज को ऐसा कह दिया गया है कि अभी बाबू तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि तुम्हें एक स्टेट बना दें, और तुम इतने छोटे भी नहीं हो या फिर अलग हो कि तुम्हें किसी स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, आप ही की तरह की स्थिति यूनियन टेरिटरीज की भी है, ठीक है। तो इसी के चलते क्या होता है, दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट, ठीक है, पावर ऑफ स्टेट नहीं होती है। अच्छा आप एक पॉइंट ये भी समझा देता हूं मैं आपको कि देखो स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, जैसे लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, तो वो क्या है, वो स्टेट के लायक ज्योग्राफिकल एरिया भी नहीं, पॉपुलेशन भी नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो उन्हें स्टेट बनाना क्या रहेगा, सही नहीं रहेगा उतना। फिर बोलते हैं कि चलो उन्हें स्टेट नहीं बनाना, किसी और के साथ जोड़ दो, लेकिन किसी और के साथ जोड़ भी नहीं सकते, आइलैंड को कहां से खींच के लाओगे आप, बोलोगे सर जो स्टेट में है मतलब जो कंट्री में उन्हें बना दो, चलो पुडुचेरी वगैरह को, तो वहां का कल्चर अलग है, वो कल्चर क्या करता है, उन्हें दूसरे स्टेट्स के साथ जिनके साथ आप मर्ज करने का सोचोगे उनके साथ मर्जिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया, यूनियन टेरिटरी बना दो, सिंपल, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दो। तो एग्जांपल जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये सारा सब कुछ हो गया, और इन पे मतलब इन्हें गवर्न कौन करता है, तो दी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में स्पेशल पावर होता है टू गवर्न और टू रन दीज एरियाज विच आर नोन एज यूनियन टेरिटरी।
ठीक है। अब पावर शेयरिंग की बात करें हम, तो पावर शेयरिंग की अगर बात करें, देखो एक और पॉइंट बता रहे हैं हम आपको कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो यार पॉइंट समझ में आया ना कि क्या हो रहा है, कि हम ऐसा देख रहे हैं कि जो फीचर्स पढ़ के आए थे, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, हमने समझा था, जो हमने फीचर्स पढ़े थे, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो अलग अलग होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए, ठीक है, बदला नहीं जा सकता है। तो अब वाला पॉइंट, ठीक है, वाला जो फीचर था कि फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। क्या कि पावर शेयरिंग बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर शेयरिंग क्या है, बहुत बेसिक है। अगर पावर हम जो पढ़ के आए कि एक फेडरल कंट्री क्या होगा जहां पे पावर शेयर होगी, तो इट इज वेरी बेसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, एंड दिस इज मेकिंग इंडिया फेडरल कंट्री। जैसे हमने देखा कि एक फेडरलिज्म का फीचर ही होता है फंडामेंटल प्रोविजंस यूनिलैटरली नहीं बदले जा सकते, तो वही यहां पे कि फंडामेंटल प्रोविजंस को आप नहीं बदल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इट इज बेसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बदलना है तो कैसे बदलोगे फिर, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है कि पत्थर की लकीर है, बस जो लिख दिया बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है, लेकिन यूनिलैटरली नहीं बदला जा सकता है। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो उनका कंसेंट होना चाहिए, तभी आप फेडरल कंट्री कहलाओगे। तो वो इंडिया में भी है, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, पार्लियामेंट बस अपने मन से नहीं बदल सकती है। क्या करना होगा पार्लियामेंट को उसके लिए, पार्लियामेंट को क्या करना होगा, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अगर कुछ बदलाव लाना है तो दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा भी क्या है, इनडायरेक्टली जैसे देखोगे तो स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आप स्टेट्स का कंसिडरेशन ले रहे हो, ठीक है, वो तो एक चीज हो गई। तो दोनों हाउस से क्या है, 2/3 मेजोरिटी से पास करवाओ अगर कुछ बदलाव लाना है फंडामेंटल प्रोविजंस में, तो एक चीज। और दूसरी चीज क्या है कि दोनों हाउस में अगर मान लो कि राज्यसभा जो क्या कर रही है, स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, उसने भी हाँ बोल दिया, उसके बावजूद भी स्टेट्स की बात और मानी जाएगी, कैसे, तो देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो जो टोटल स्टेट्स है हमारे, उसमें से भी क्या चाहिए रहेगी आपको, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स के द्वारा मतलब एक तरह से अप्रूवल चाहिए रहेगा। एक एग्जांपल जीएसटी वाला जो मैंने आपको बताया, क्या है कि वो फंडामेंटल प्रोविजन है ना, मैंने क्या बताया था फीचर्स में कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब अगर उस चीज को बदलोगे, ठीक है, तो जो दोनों ही गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उस चीज में कोई बदलाव लाओगे तो अब क्या होगा, उसे यूनिलैटरली नहीं बदला जा सकता है, ठीक है, सब कुछ पार्लियामेंट में होगा, लेकिन स्टेट्स का भी अप्रूवल, तो वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, उसके बाद में स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। रेटिफिकेशन मतलब क्या, स्टेट की पार्लियामेंट जो है तो वहां पे भी वोटिंग हो कि हाँ ये चीज बदलने का प्रस्ताव रखा गया है, बदल दें नहीं बदलें, ठीक है, तो फिर वोटिंग होती है। और फिर अगर स्टेट्स की असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो से पास कर देती है, तो एक स्टेट ने पास किया, दो स्टेट ने, और ऐसे मेजोरिटी ऑफ द स्टेट शुड पास देम, ठीक है, तो हाफ प्लस वन स्टेट्स को पास करना होगा, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, और वो फीचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए रहता है। तो दिस इज मेकिंग इंडिया फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, दिस पॉइंट इज मेकिंग इंडिया फेडरल कंट्री। कनेक्ट कर पा रहे हो ना, और देखो और चाहिए, आप कितने पॉइंट मांगोगे ये लो, ठीक है। तो द जुडिशियरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। क्या पढ़ा था हमने फीचर्स में कि कोर्ट्स जो होते हैं दे एक्ट एज एन एम्पायर इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। तो अगर डिस्प्यूट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जब बारी आती है, तो वहां पे एक जुडिशियरी होती है। फेडरल सिस्टम में क्या होना चाहिए, एक जुडिशियरी होना चाहिए। तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। तो अगर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट आता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो जैसे हाईएस्ट कोर्ट कौन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हाँ डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो वो वाला फेडरलिज्म का फीचर भी इंडियन गवर्नमेंट में आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज मेकिंग इंडिया फेडरल कंट्री, ठीक है। एक और चीज, क्या एक और फीचर देखा था हमने सिक्स्थ वाला, वहां पे भी हमने ये फीचर देखा था ना सिक्स्थ वाला, क्या कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है ना, इट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि पैसा है तो सब कुछ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, मतलब सेंट्रल लेवल भी स्टेट लेवल भी, दोनों ही टीयर्स काम कब करेंगे बेहतर, जब दोनों के पास पैसा होगा, अब आसमान से गिरेगा नहीं। तो इसीलिए क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू रेज resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them, ठीक है। यहाँ पे ये point ध्यान रखना है आप, जैसे क्या होता है कि बता दिया कि excise duty जो है, custom duty जो है, उस पर कौन टैक्स लगाएगा, उस पर टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाई कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। फिर वहीं पर क्या है कि मान लो जैसे पेट्रोल पे पैसे कहीं किसी स्टेट में ज्यादा कम है, तो उन पर टैक्स कौन लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। तो वो भी क्या है, बता दिया कि हाँ भैया तुम पेट्रोल के पैसे से पैसे कमा लेना, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के तुम
एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी भी लगा लेना, ठीक है। इनसे बोल दिया सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट से क्या कि चलो लिकर वगैरह जो बिक रही है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा ले, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या है कि कौन कहां से कितना पैसा लगाएगा, टैक्स लगाएगा, वो भी स्पेसिफाई कर दिया है ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सकता है। तो दिस फीचर इज मेकिंग इंडिया फेडरल कंट्री। तो अब आपको कंक्लूजन क्या निकालना है, देखो कंक्लूजन आपको सिंपल से ये निकलना है कि वो सारी चीजें जो एक कंट्री को फेडरल कंट्री बनने के लिए चाहिए रहती है क्या वो इंडिया में है, तो जी हाँ वो सब कुछ इंडिया में है। तो यही हमारी पूरी क्या थी, कहानी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, वेयर प्रैक्टिस इन इंडिया। अब देखो टॉपिक्स को कनेक्ट करते चलना, बड़े प्यार से बड़ी पेशेंस के साथ कनेक्ट करते चलना, जैसे आप अभी तक कनेक्ट करते आए हो। हमने चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज फेडरलिज्म, आखिरकार फेडरलिज्म होता क्या है, सिर्फ एक लाइन में डिफाइन नहीं किया, एक तसल्ली से हमने एक पूरे वीडियो में उसे यही समझा कि आखिरकार फेडरलिज्म क्या होता है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम क्या पढ़ने वाले, देखो तो हमने मतलब फेडरलिज्म क्या है वो समझ लिया। अब हमने ये भी देखा कि फेडरलिज्म तो क्या है वो पता है हमें, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो एक कंट्री को अपने आपको फेडरल कंट्री कहलवाने के लिए होना चाहिए वो सब कुछ इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारे फीचर्स इंडिया में प्रेजेंट है। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, सो ऑल दोस फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अ फेडरल कंट्री आर देयर इन इंडिया, देयरफॉर इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैथमेटिकल है कि जो जो फेडरल कंट्री होने के लिए होना चाहिए वो सब कुछ है इंडिया में, तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बधाई हो। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री तो है, लेकिन फेडरलिज्म और फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना दो अलग चीजें हैं, मतलब कार, ठीक है, कार और कार चलाना दो अलग अलग चीजें हैं ना, कि एक कार है और एक कार चलाना अलग अलग चीजें, मतलब बोलोगे हाँ सर कार चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए रहता है, कार के लिए सिर्फ कार चाहिए रहती है, मतलब कुछ सॉर्ट ऑफ वैसा ही है। और अगर अभी आप ऐसे हैं कि सर आखिरकार मतलब कहना क्या चाहते हो आप, तो देखो और सिंपल करते हैं कि फेडरलिज्म एक चीज होती है और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म दूसरी चीज होती है। ट्राई टू फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स, ठीक है, फेडरलिज्म एक चीज होती है और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म दूसरी चीज होती है। देखो बहुत अच्छी तरह से बताता हूं कि हमने हमारे संविधान में तो लिख लिया, क्या लिख लिया कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मतलब डायरेक्ट फेडरेशन तो वर्ड भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अगर देखें तो क्या है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म जो है उसे अपहोल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप क्या करने आते हैं, जब आप उन प्रिंसिपल्स को इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई करोगे ना, तो क्या होता है, तो आपको नई नई समस्याएं देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली, एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, नीट एस्पिरेंट्स काफी सारे प्यारे से, ठीक है, तो आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, सब थ्योरी थ्योरी पढ़ ली है और बोल दिया कि बस सब बुक्स सारी पढ़ ली, एग्जाम सारे हो गए, चलो कल ऑपरेशन करना, ठीक है, तो आपको सारे हथियार दे दिए जाएंगे, तो क्या ऑपरेशन कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, वैसे ही फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं। और इसी के चलते क्या, देखो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, आप बड़ी क्लासेस में इन द सेंस 11th 12th में भी पढ़ोगे कुछ, उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ोगे, कि इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अपने आप में बहुत क्या है, रेनबो टाइप का है। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उस चीज को कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह से सूडो फेडरल स्ट्रक्चर है, झूठ मूठ का फेडरलिज्म है यहाँ पे, इट इज टिल्टेड टुवर्ड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग डिफेंड भी करते हैं कि इंडिया का फेडरल सिस्टम जो है वो इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग मतलब इंटरप्रिटेशन है। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि फेडरलिज्म एक चीज होती है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सक्सेसफुली कंट्री के इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट में अप्लाई करना, ठीक है, और ये प्रूफ करना कि वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो काम कर जाएगा देश में, वो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म को मतलब दर्शाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग है, फाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशियंट, एंड यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो है, मतलब फेडरलिज्म तो है, लेकिन वो फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या करना होगा, तो जो फेडरलिज्म की बाउंड्री है उससे बाहर जाकर आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है। तो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री, एंड दिस इज द पॉइंट, क्या है कि फेडरलिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन फेडरलिज्म सक्सेसफुल अगर हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या है, जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, मतलब हमारे लीडर्स ने कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बाद में जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को देश में लागू किया है, ठीक है, जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलाया है,
तो वो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर रहा है उससे कहीं ना कहीं फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है हमारे देश में। देखो अगर आपको अभी गोल गोल रानी कितना कितना पानी लग रहा है मतलब जलेबी की तरह, तो दो मिनट में सब कुछ सिंपल हो जाएगा। मैं बस अभी क्या कर रहा था, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था आपके लिए, बता रहा था कि फेडरलिज्म होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, उस फेडरलिज्म का सक्सेस होना ही सब कुछ होता है। मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर डाल दिया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब आपने बोल दिया कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेती है, सारे के सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो स्टेट लिस्ट में, उनको क्या कर लेती है, बाय लॉ अपने पास ले आती है क्योंकि उसकी पार्टी मेजोरिटी में है। तो क्या होता है, सब कुछ क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो इसके चलते क्या है कि ऑन ग्राउंड वो जो प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई भी करना जरूरी है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, सक्सेसफुल फेडरलिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो टॉपिक वही बता रहा है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म होना अपनी जगह जरूरी है लेकिन उसका प्रैक्टिस में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कंट्री में कैसे किया गया वो चीज समझना है। तो देखो यहाँ पे तीन सब टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के अंदर आपके, मतलब एक लिंग्विस्टिक स्टेट लिखा है, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी लिखा है, तीसरा सेंटर स्टेट रिलेशन लिखा है। मतलब ये जो तीन टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जो हैं, इन तीन सब टॉपिक्स के द्वारा बताया गया कि जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रही है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट बनाए गए हैं उसे अगर हम समझे, तो उसके बेसिस पर क्या है, जो हमारी क्या रही है, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए गए हैं उसे लेकर जो हमारी अप्रोच रही है वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं दर्शाती कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ हमारी कंट्री में। जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी रही है, ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी मतलब कि हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, उनके साथ कैसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने डील किया है वो दर्शाता कि हाँ हमने सही तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में तालमेल बनाया है, आपस में स्टेट्स के बीच में तालमेल बनाया। और फिर लास्ट में सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, और ये मुझे भी पता है कि इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है, आखिरी दम तक कंफ्यूजन रहता है, और मेरा पूरा प्रयास है कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे आपका कंफ्यूजन जो है यहीं पे दम तोड़ देगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का आइडिया क्या है कि द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। मतलब जो एक भाषा बोल रहे हैं वो एक राज्य में रहे हैं। ठीक है, राज्य क्या है, तो राज्य जैसे देखिए अगर हम स्टेट जो होता है, स्टेट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट होता है कि मतलब ये कंट्री है। ठीक है, तो ये कंट्री अगर मान लो तो कंट्री क्या, अपने आप में कुछ नहीं है कंट्री, कंट्री किससे मिलकर बना, तो जिससे आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो इन सभी स्टेट्स से, ठीक है, इन सभी कंस्टिट्यूएंट यूनिट से मिलके देश बनाए, बोलो हाँ। ठीक है, अब क्या होता है, तो अब ये जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट बनाए ना, तो इतना ही राजस्थान क्यों होगा, इतना ही गुजरात क्यों होगा, तो अब गुजरात क्या होगा, तो आप जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे, जो स्टेट्स होंगे, तो दे शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब कि पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज शुड लिव इन वन कंस्टिट्यूएंट यूनिट। मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट के अंदर रहे, एक स्टेट के अंदर रहे। तो ये आइडिया है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखो कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री। अब जब आपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया ना, तो ये पहला टेस्ट था कि क्या हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, मतलब हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इतना मैच्योर है कि वो संभाल पाएगा इस तरह से। क्योंकि देखो, इसमें समस्या है। समस्या क्या है बताऊं? समस्या ये है कि आप जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाते हो ना, तो अब कंट्री जो है, कंट्री तो है ही है, लेकिन वो उस स्टेट के अंदर के सारे लोग क्या करते हैं, कॉमन आइडेंटिटी पाने लगते हैं। कॉमन आइडेंटिटी मतलब वो सब एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अगर उन्हें कंपेयर किया जाए गुजरात के लोग और मणिपुर के लोग जो है। तो इंडियन है, नो डाउट, गुजरातीज आर ऑल्सो इंडियंस, ठीक है, एंड मणिपुरीज आर ऑल्सो इंडियंस, ठीक है, और कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा इंडियन है, कोई कम इंडियन है, ऐसा कोई नापने का मीटर नहीं आता है। ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग दोनों के अंदर ही रहेगी, लेकिन होता क्या है कि गुजराती जो है आपस में क्लोजली नेटेड होंगे और मणिपुरी जो रहेंगे तो वो आपस में ज्यादा क्लोजली नेटेड रहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो इसके चलते चैलेंज क्या था, चैलेंज ये था कि अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को गुजरात अलग भाग रहा है, मणिपुर अलग भाग रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये चैलेंज भी था और ये पहला टेस्ट भी था जब आपने क्या किया, इस तरह से लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाए। अब सवाल ये आता है कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्यों बना रहे, जब डर है तो डर तो था लेकिन डिमांड भी थी, तो स्टेट्स के लोग चाह रहे थे। अब क्या है, एक फेडरल कंट्री में क्या होता है, फेडरल कंट्री में स्टेट्स के पास भी पावर होती है और स्टेट्स के लोग चाह रहे थे कि वो जो उनका स्टेट बने, उनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री बने, वो उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के हिसाब से बने। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाना क्या था, स्टेट बनाना एक तरह से प्रेशर भी था गवर्नमेंट के ऊपर, दूसरी तरह से ये टेस्ट भी हो गया फेडरल स्ट्रक्चर का कि
क्या सेंटर पावर देगी स्टेट्स को, ठीक है, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाएगी, बना दिए, क्या वो स्टेट्स सेंटर के साथ रह पाएंगे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट बन जाएंगे तो एक डर ये भी रहता है ना, जैसे यहाँ पे ये लिखा भी है क्लियरली क्या कि आप जैसे देखोगे तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एंड दिस वॉज द फियर ऑफ सम नेशनल लीडर्स, कुछ नेशनल लीडर्स को ऐसा डर लगता था। इनफैक्ट एक चीज बताता हूं मैं आपको हिस्ट्री से उठा के थोड़ा सा, क्या कि जब हमारा देश आजाद नहीं होता उसके पहले जो नोशन था, उसके पहले जो आइडिया था वो ये था कि कुछ हमारे लीडर्स जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनका ये मानना था कि हाँ एक बार आजादी मिलेगी तो लैंग्वेज के बेसिस पर देश बनाएंगे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाएंगे। लेकिन आजादी मिली ना तो उस समय पे क्या हुआ, रिलीजन के बेसिस पे देश का जब पार्टीशन हुआ तो हमने क्या देखा, इतना ज्यादा खून खराबा देखा कि हमारे लीडर्स ने बोल दिया नहीं भैया आप कोई लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट नहीं बनाएंगे। और इन द इनिशियल ईयर्स आर नेशनलिस्ट लीडर्स रजिस्टर्ड द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमारे नेशनलिस्ट लीडर ने उस चीज को रजिस्ट किया कि नहीं नहीं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मत बनाओ, हमने रिलीजन के बेसिस पे जो पार्टीशन देखा उससे कितना खून बहा है, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं जुआ टाइप से था, वो आपने दाव लगाया था, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पहला टेस्ट की तरह निकल के आया वो कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओगे तो उससे चीजें सही चल पाएगी। अब क्वेश्चन जो आपके मन में कूद रहा है कि सर इसका फेडरलिज्म से क्या लेना देना है, देखो फेडरलिज्म से लेना देना है कि अब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में पावर शेयरिंग जो हो रही है वो पावर शेयरिंग जो है तो पावर शेयरिंग चेंज होगी विद द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। सेंटर जो है तो सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट्स को पावरफुल बना रहा है एक तरह से लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बना के, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कितना बेहतर काम करेगा, ठीक है, और ये अरेंजमेंट जरूरी भी था। जैसे क्या है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस तो डाल दिए, वी आर अ फेडरल कंट्री, लेकिन वो फेडरलिज्म सक्सेस कब होगी, जब स्टेट्स की बात मानी जाएगी। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट करना वो स्टेट्स की डिमांड थी, सेंटर ने मानी, ठीक है, सेंटर ने रिस्क लिया, स्टेट्स ने भी क्या किया लेकिन कॉपरेट किया, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए। और जो कुछ लोगों को डर था, ठीक है, कुछ लोगों को डर था, क्या उनका डर सच में बदल गया, तो वो देखते हैं आगे। अब यहां पे एक पॉइंट और है क्या कि सम स्टेट्स वेर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। तो लैंग्वेज के बेसिस पे तो हमने स्टेट बनाई है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो 1956 में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और लैंग्वेज के बेसिस पर 14 स्टेट और आई गेस 6 यूनियन टेरिटरीज बनती थी, ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। और उसके बाद आज देखोगे तो आज कितना सीधा डबल हो गया है, 28 स्टेट्स हो गए ना। तो ये इतने स्टेट्स और कैसे बने, तो फिर क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज और भी, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट्स और भी बनाए गए। तो अब लैंग्वेज के अलावा भी बेसिस रखे जैसे कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी, तो स्टेट्स इंक्लूडिंग नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तो ये स्टेट्स क्या है और भी बनाए गए जो लैंग्वेज के अलावा बने। तो जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड क्या है, ज्योग्राफी के बेसिस पे बनाया गया कि जो उत्तर प्रदेश था उसका हिली एरिया जो उसको उत्तराखंड बना दिया। फिर जैसे बिहार जो था तो पहले बिहार और झारखंड एक ही था, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जब नहीं आए थे फिर क्या होता है, फिर अलग हो गया, तो रांची 2000 में, ये 2000 में बिहार से झारखंड अलग निकल गया, ठीक है, बिहार से झारखंड अलग निकल गया। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज मतलब कल्चर, नॉर्थ ईस्ट में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो कल्चर के हिसाब से हुआ, ज्योग्राफी के हिसाब से हुआ। तो लैंग्वेज के अलावा भी स्टेट्स बने हैं, लैंग्वेज के अलावा भी बेसिस रखा गया। लेकिन बेसिकली फेडरलिज्म का पहला टेस्ट कहां पे निकल के आया, व्हेन द स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक। अब देखो सवाल क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो क्या है कि अंडर द सन कहीं से भी बना सकते हैं सवाल, और अगर आपने एमसीक्यू सीरीज फॉलो किए जो हमने वीडियोस बनाए एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हर टॉपिक से सवाल बन सकते हैं, सवाल की तो पूछो ही मत। बाकी थ्योरी पार्ट पे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, या फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिंग्विस्टिक स्टेट्स, फाइन। क्वेश्चन एक आ जाता है बड़ा कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो आपको ऐसे बताना होगा पहला पॉइंट कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के, लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो पहला पॉइंट है जिसके चलते आपने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया ऑन ग्राउंड, पहला पॉइंट, मतलब पहला सब पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। तो क्या है कि पहले लोगों को डर था, इसी के चलते क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड दी लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, लेकिन आउटकम क्या होता है, अल्टीमेटली लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर लैंग्वेज के बेसिस पर जब स्टेट बनाए गए तो जो डर था कि देश विभाजित हो जाएगा, ऐसा हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, उल्टा होता क्या, आउटकम क्या निकल के आता बताएं, द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इससे कंट्री और यूनाइटेड हुआ है, क्यों, क्योंकि हम एक गुलदस्ते की तरह बन गए, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह है, ठीक है, उनका कल्चर एक जैसा है, दूसरी जगह जाओगे आप तो क्या है, यहां पर आप
इंडिया की एक स्पेसिफिक फीचर बताता हूं, हर 200 किलोमीटर पे आपको स्टेट नहीं बदलना होगा तो स्टेट के अंदर भी लैंग्वेज बदलते हुए वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, खाने में वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, लोगों के रहने सहने में वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर 200 किलोमीटर पे क्या है, कल्चर बदलता है, लैंग्वेज बदलती है भारत में, फाइन। तो उस तरह से क्या है, हमारी कंट्री और यूनाइटेड हुई है। यूनाइटेड कैसे हुई है कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो और आसान हो गया। तमिलनाडु है तो तमिल लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन करना वहां पर आसान हुआ है, ठीक है। केरला है तो वहां पे आप जैसे देखेंगे मलयालम लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे आसामीज की बात कर लें हम, ठीक है, मणिपुरी की बात कर लें, तो वहां पे अगर आप एक पॉलिटिकल यूनिट बना देते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है, ठीक है। सो द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है, प्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। तो जो पहला टेस्ट था उसमें पास हो गए, टॉपर बन गए, ठीक है। तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी सक्सेसफुल रही, वो मैंने आपको समझा दिया। सेकंड चीज की अगर बात करें तो सेकंड चीज क्या है, द लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, देखो तो आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अब ये पॉइंट गांठ बांध लो यहां पे। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुम्हें, बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब जैसे हम बैठते हैं तो अब सभी तरह के रहते हैं ना, कोई एकेडमिक्स बैकग्राउंड से रहता है, कोई एकेडमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो कोई कह सकते हैं जैसे नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से, फॉर एग्जांपल क्या है कि कोई आईटी वाले बैकग्राउंड से, वो सभी लोग बैठे रहते हैं और उनसे सीधा एक सवाल पूछो बस कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो उधर तड़ाक से आंसर क्या आता है बताया, हिंदी, हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, इस तरह से, ठीक। कितने लोगों को ऐसा लगता है आज इस वीडियो को देखते देखते कि हाँ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, इनफैक्ट राष्ट्रभाषा कुछ है ही नहीं हमारी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी एक भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, फाइन। एक भाषा नहीं मतलब क्या, मल्टीपल भाषा है, जी हाँ, ऐसा कह सकते हो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हमारी नेशनल लैंग्वेज की तरह काम करती है, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी जो है, इस लैंग्वेज पॉलिसी को फेडरलिज्म से अडॉप्ट करो। अब जैसे आपने देखा कि स्टेट्स की तरफ से डिमांड थी, सेंटर की तरफ से क्या हुआ, सेंटर की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, वैसे ही क्या है, वैसे ही लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रही है देश में व्हेन इट कम्स टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर मतलब क्या है, सेंटर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कंट्री क्या है, तो कंट्री अलग अलग भाषाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक भाषा को कैसे कह सकती है कि कंट्री की भाषा बता सकती है ना, क्योंकि क्योंकि हर जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है उसकी अलग भाषा हो सकती है। अब हिंदी हार्टलैंड की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी क्या है, हिंदी जैसे अगर आप देखोगे तो हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पे भी अब रीजनल लैंग्वेजेस आ जाती है, राजस्थान हो गया तो वहां पे भी रीजनल लैंग्वेज है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ कुछ कुछ, ठीक है, बिहार वगैरह, तो इतने स्टेट्स में आपको हिंदी देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा दूसरे स्टेट्स में डोमिनेंट लैंग्वेज दूसरी रहेगी, और 100% पॉपुलेशन जो है तो 100% पॉपुलेशन हिंदी नहीं बोलती है, ठीक है। अगर एक चीज आप यहाँ पे नोट करोगे, कहाँ गए वो, एक बुक में एक आपको वो मिलेगा, ठीक है, एक टेबल मिलेगा, तो उस टेबल को जब आप देखोगे ना तो उस टेबल में आपको समझ में आएगी चीजें क्या, कि 40% से कुछ पॉइंट 40% पॉइंट कुछ है, ठीक है, तो उतनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी हिंदी बोलती है, उसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस बोलती है कंट्री में पॉपुलेशन, ठीक है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज है। तो इस तरह से क्या है कि आप एक लैंग्वेज को क्या है, डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं बना सकते हो, बता सकते हो, एक लैंग्वेज को आप नेशनल लैंग्वेज नहीं बता सकते हो। तो यहां पे लैंग्वेज पॉलिसी जो है ना, जो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया है कि आपने क्या किया, सेंटर और स्टेट के बीच में तालमेल बनाए रखने के लिए जो एक कांटा हो सकता था लैंग्वेज, ठीक है, उस कांटे को फूल में बदला है, मतलब आपने बहुत क्या करिए, अकोमोडेटिव अप्रोच को अडॉप्ट किया है व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, समझना, आप लैंग्वेज पॉलिसी ये है। अब क्वेश्चन, एक सब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है थ्योरी पे कि एक्सप्लेन दी लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडियन फेडरेशन, ठीक है, इंडियन मतलब इन इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम में लैंग्वेज पॉलिसी को क्या अडॉप्ट किया गया, एक्सप्लेन करो, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है। अब इसको फेडरलिज्म के साथ कनेक्ट करो अच्छे से, क्या है फेडरलिज्म के साथ, ऐसा है कि आप स्टेट और सेंटर के बीच में तालमेल बनाए रखना होगा, स्टेट्स के अपने पावर होंगे, अपने ज्यूरिसडिक्शन होंगे, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, स्टेट के अपने पावर होंगे, अपने ज्यूरिसडिक्शन होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, इंपोज नहीं कर रहे हो स्टेट के ऊपर कुछ, ठीक है। इज हिंदी आर नेशनल लैंग्वेज, तो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दिस इज द मास्टर वर्ड। आपको ध्यान रखना है कि नेशनल लैंग्वेज नहीं हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और क्या सिर्फ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, हिंदी के साथ में पूरी बारात है ऑफिशियल लैंग्वेज की, कौन कौन सी, तो बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, तो हिंदी है, हिंदी के अलावा 21 अदर्स, मतलब टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये टोटल 22 लैंग्वेजेस जो है, तो 22 लैंग्वेजेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगी, और इन्हें क्या कहा जाता है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मतलब सर 22 लैंग्वेजेस आना चाहिए इंसान को, नहीं ऐसा नहीं,
आपके रीजन में आपके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो सकती है, जैसे मान लो कोई हिंदी हार्टलैंड से है तो हिंदी उनकी क्या हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, हिंदी के साथ में इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है। फिर उसके बाद में आप अगर साउथ इंडिया में जा रहे हैं आप, ठीक है, साउथ इंडिया में जा रहे हैं तो क्या है कि मलयालम जो है तो केरला की वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो इस और ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब क्या है कि ऑफिशियल कामकाज जो इस लैंग्वेज में होगा, तो मतलब ऐसा नहीं कि इंसान को काम करने में दिक्कत जाएगी। अब बोलोगे चलो सर मुझे हिंदी आती, किसी को क्या आती है, कह सकते हैं कि मलयालम आती है, तो हम दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इसके लिए क्या है हिंदी और मलयालम के अलावा भी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को क्या मान के चलते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज मान के चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है ना लैंग्वेज को लेकर वो क्या है, बहुत अच्छी तरह से अकोमोडेशन जो है बहुत अच्छी तरह से किया गया है। एट टाइम्स क्या होते हैं आपको देखने को मिलेगा, टेंशंस डेवलप होते हैं व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज, लेकिन बहुत पीसफुली और बहुत जुडिशियसली क्या किया गया, उन टेंशंस को अकोमोडेट किया गया, कैसे अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि पहली चीज तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई वन नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नोन एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन मे ऑप्ट to take the examination in any of these languages. अभी आप में से बहुत सारे लोग क्या है सिविल सर्विसेज की aspirations लेकर बैठे हो अपने मन में प्यारे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो उसमें आप ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश से ही आना चाहिए, बस हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी आपके पास में क्या होता है, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रहती है, इनमें ऑप्शंस रहते हैं कि आप अपने इंटरव्यू इन लैंग्वेजेस में दे पाओ, जी हाँ, ठीक है, आप अपने एग्जाम इन लैंग्वेजेस में लिख पाओ। तो उस तरह से क्या है, मतलब ये एग्जाम्स में ये लैंग्वेजेस के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीजें ये दर्शाती है कि किस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव रही है, स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए, स्टेट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज पॉलिसी को बनाया गया है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट्स के अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उस स्टेट की, वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह काम करती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अब इसमें क्या है, देखो हिंदी वर्सेज इंग्लिश का भी एक बहुत बड़ा डिबेट रहा है, उसको किस तरह से अकोमोडेट किया, तो द लीडर ऑफ आर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज to stop use of English for the official purpose was to stop in 1965. मतलब 1965 तक क्या है उन्होंने बोला इंग्लिश चलाएंगे, उसके बाद में क्या इंग्लिश को बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है इंग्लिश जो है वो ब्रिटिशर्स की लेगेसी, उसको क्यों कैरी ऑन करें हम हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इंग्लिश को बंद कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या है, फिर आप जैसे देखोगे ना तो मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, कम बोली जाती है, लोग कम हिंदी जानते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, दे डिमांडेड दैट द यूज ऑफ हिंदी कंटिन्यू, ठीक है। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने क्या डिमांड करा, नहीं नहीं क्या होना चाहिए, यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इंग्लिश का यूज तो कंटिन्यू होना चाहिए 65 में, आप इंग्लिश को बंद मत करो, ठीक है। इनफैक्ट इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, तो अब क्या होता है तमिलनाडु में, जैसे आप देखोगे तो वायलेंस भी देखने को मिला था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को लेकर कि आप क्या करेंगे इंग्लिश का ऑफिशियल यूज जो है 65 में बंद कर देंगे। तो उसके चलते फिर हमारी लैंग्वेज पॉलिसी कैसे रूप बदलती है अपना, मतलब कैसे अकोमोडेट करती चीजों को, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखी जाती है, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट इंग्लिश जो है तो क्या है, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारी सदर इंडियन लैंग्वेजेस जो है, ठीक है, साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो नॉर्थ इंडिया के लोगों को नहीं आती, हिंदी साउथ के लोगों को नहीं आती है, नॉट जनरलाइजिंग लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये केसेस होता है। तो वहां पे अगर इंग्लिश है दोनों के बीच में तो वो क्या है, कॉमन ब्रिज लैंग्वेज का काम कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी रही है, फाइन। अब आप जैसे देखेंगे ना तो नो डाउट क्या है कि प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहा है, तो प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हिंदी को प्रमोट करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आप देखेंगे तो हिंदी हार्टलैंड में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दबदबा रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी दी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लैंग्वेज पॉलिसी बहुत अकोमोडेटिव है, लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है 21 अदर लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद हिंदी को रिकॉग्नाइज किया शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हिंदी का झंडा लेकर चल रही है, गलत है सही है। तो देखो यहां पे जो प्रमोशन भी है ना किधर गया, ठीक है, यहां पे जो प्रमोशन ऑफ हिंदी भी है ना, तो प्रमोशन डज नॉट मीन दैट दी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि आप थोप रहे हो हिंदी, ठीक है, प्रमोशन ऑफ हिंदी मतलब क्या है, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो स्टेट्स चाहें तो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है,
ठीक है। तो प्रमोशन भी क्या है, प्रमोशन भी एक तरह से कह सकते हैं वॉलेंटरी है, ठीक है। कि आपको हिंदी अगर पसंद आ रही तो बढ़िया है, नहीं पसंद आ रही तो ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर जबरन थोपेंगे, फाइन। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी जो दर्शाई जा रही है, तो दी फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय दी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. और यही केस आप जिसे देखोगे तो सिन्हालाज जो थे, मतलब सिन्हाला स्पीकर जो थे, उन्होंने क्या किया, तमिल लैंग्वेज को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया, सिन्हाला को ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज बता दिया। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें क्या कर रही है, ये सारी चीजें एक तरह से वहां पे जो दूसरे लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स थे, तमिल्स जो थे, उन्हें एलिनिएटेड फील करवाती है। और अगर वही इंडिया भी दोहरा देता है तो इतिहास क्या सिखाता है, आपको पता है इतिहास यह सिखाता है कि आप जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उनसे खुद सीखो, उन्हें दोहराओ नहीं, ठीक है। तो उसके चलते क्या है कि हमने वहां पे क्या किया, एक बहुत कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट किया व्हेन इट कम्स टू द प्रमोशन ऑफ हिंदी। एंड प्रमोशन डज नॉट मींस इंपोजिशन ऑफ हिंदी ऑन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ठीक है। तो दिस वॉज द लैंग्वेज पॉलिसी विच helped in practicing federalism in our country. तो इससे अब इसको federalism से कैसे जोड़ोगे, तो स्टेट और सेंटर जो है उनके बीच में आपको एक तालमेल देखने को मिला है, federalism की सक्सेस देखने को मिली है कि स्टेट और सेंटर जो है, तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ऐसी है जिसके चलते लैंग्वेज एक मुद्दा हो सकता था जिसपे क्या आमने सामने डंडे लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ने क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में क्या बनाए रखा, कोऑर्डिनेशन बनाए रखा, दूसरी चीज हो गई। अब तीसरा जो सब टॉपिक है आपका वो क्या है, सेंटर स्टेट पॉलिसी, सेंटर स्टेट पॉलिसी, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट पॉलिसी जो है, तो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस आएगा शायद, ठीक है। तो सेंटर स्टेट पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन जो भी है, तो उसे अगर हम समझे ना, तो इन्फ्लुएंसेस द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन आर कंट्री, ठीक है। ये क्या है, देखो ये वाला टॉपिक, हाँ ये वाला टॉपिक में तो लोग सिर्फ ऐसे पीट लेते हैं जोर से, समझ नहीं आया सर क्या है। अब आपको समझना है फेडरलिज्म क्या है, अच्छे से समझो, देखो प्यार से, फेडरलिज्म क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयर होना चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब ये सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन जो है ना, इट इन्फ्लुएंसेस द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन आर कंट्री। तो जब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो फेडरलिज्म को जब प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो उसमें क्या, सेंटर और स्टेट का रिलेशन सही है, मतलब फेडरलिज्म की स्पिरिट क्या है, स्ट्रांग है। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन सही नहीं है, मतलब सेंटर ऐसा है कि फटकार लगाते जा रहा है स्टेट को, तो क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि फेडरलिज्म क्या है, कमजोर दिख रहा है, फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, जो फेडरलिज्म की क्या कह सकते हैं, फेडरलिज्म के जो आइडियाज हैं वो वीक है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसेस द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन आर कंट्री, तो सेंटर स्टेट रिलेशन क्या करता है, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म को हमारी कंट्री में इन्फ्लुएंस करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्या हो रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया ना, फेडरलिज्म एक चीज है, सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म दूसरी चीज है। तो अब क्या हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है फॉर पावर शेयरिंग, मतलब कि पावर को शेयर करना, ये सारी चीजें, तो वो काम कब करेगी सही मायने में पता है, कि जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाले हैं, समझ में आ रही है चीजें, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट देके रखा है, वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पता है उसी तरह से काम कब करेगा, जब जो उस अरेंजमेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स सही तरीके से काम करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार है, कार तो अच्छी चलेगी, डिपेंड करेगा ड्राइवर कैसा है, समझ में आया। तो फेडरलिज्म तो है हमारी कंट्री में, लेकिन वो फेडरलिज्म किस पर डिपेंड करता है पता है, वो फेडरलिज्म डिपेंड करता है, वो फेडरलिज्म की स्पिरिट डिपेंड करती है कि जो लोग उस फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब कौन लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो तो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया है वो 1990s के पहले एक तरह से किया है, 1990s के बाद में दूसरी तरह से किया है। और यही इंपॉर्टेंट चीज है, एक पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, आप में से अभी तो क्या है, अभी आप एक जनरल स्टूडेंट हो, जनरल मतलब क्या, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो। अब क्या होगा, इलेवंथ में जाओगे आप, इलेवंथ में जाओगे जब सब्जेक्ट लोगे, तो फिर आप क्या अपना स्ट्रीम चूज कर लोगे, जैसे आपने ह्यूमैनिटीज चूज कर लिया, तो आप क्या ह्यूमैनिटीज चूज करने के बाद में आप एक तरह से फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आपने बायो चूज कर लिया तो आप बायो बायो पढ़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायो चूज कर लोगे तो हमें भूल जाओगे, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको, आप देश में रह रहे हो तो पता होना चाहिए ना। तो आपको क्या है, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये नहीं कि कौन का प्राइम मिनिस्टर था, उसके अलावा थीम्स समझ में आना चाहिए कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हुए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो किस तरह से। तो इन सभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में एक थीम क्या है पता है, एक थीम फेडरलिज्म भी है। तो फेडरलिज्म जो इन प्रैक्टिस रहा है ना, वो दो फेजेस में समझ सकते हो, कि 1990s के पहले फेडरलिज्म कुछ और था और 1990s के बाद में फेडरलिज्म कुछ और है, कुछ और है, और पता नहीं अब जैसे फिर ट्रेंड बदल सकता है, क्यों ट्रेंड बदल सकता है वो भी समझ में आएगा। तो हम यहां समझते, देखो फाइन, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड फेडरलिज्म, तो बिफोर 1990s क्या स्थिति थी, ठीक, तो बिफोर 1990s क्या स्थिति थी, सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड
इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. तो क्या होता था बिफोर 1990s, अगर जैसे देखोगे तो अधिकतर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहता था, तो सेंट्रल लेवल पे भी वही पार्टी है, स्टेट लेवल पे भी वही पार्टी है. और शुरुआत के दौर को अगर आप समझोगे ना, शुरुआत के जो फर्स्ट क्या बोलते हैं इलेक्शंस हुए थे, तो तब तो क्या है कि पूरी तरह से सभी जगह कांग्रेस था, सभी जगह कांग्रेस पार्टी थी. तो शुरुआत का टाइम पीरियड ऐसा था कि दोनों ही जगह क्या है, स्टेट में भी वही गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे भी वही गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट मतलब वही पॉलिटिकल पार्टी. तो बहुत तालमेल बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा था. ठीक, अब फिर लेकिन हो क्या रहा था, तालमेल बहुत अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि फेडरलिज्म बहुत सही है. फेडरलिज्म सही कब होगा, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि सेंट्रल लेवल पे किसकी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे किसकी गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंटर में अच्छे रिलेशंस है, मतलब फेडरलिज्म सही है. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि सेंटर और स्टेट में जब तक एक जैसी गवर्नमेंट है तब तो बहुत है, मतलब एक ही थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं. फिर क्या हो रहा है, फिर अगर ऐसा होता है, ठीक है, फिर ऐसा होता है अगर मान लो कि सेंटर पे गवर्नमेंट अलग है, स्टेट पे गवर्नमेंट अलग है, तो सिचुएशन कुछ और हो जाती है. ठीक है, और आपको यहां पे भी समझना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो इतनी पावरफुल होती थी ना, तो उसके चलते क्या होता था, दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता था, अरे अपनी तो पार्टी है, ठीक है, सब चलेगा. तो स्टेट्स जो थे, स्टेट्स और सेंटर में कोई फर्क नहीं था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहती थी स्टेट्स में भी वैसे ही होता था. ठीक है, स्टेट्स में भी वैसे ही होता था. तो कहने में फेडरलिज्म था, लेकिन प्रैक्टिस में था क्या, बताओ, प्रैक्टिस में नहीं था. तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशन रहे, वो दर्शाता है कि किस तरह से फेडरलिज्म को मतलब फेडरलिज्म कितना सक्सेसफुल है देश में, कितना सक्सेसफुल नहीं है. तो शुरुआती दौर जो रहा है बिफोर 1990s की अगर हम बात करें, तो सेंटर और स्टेट लेवल पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती थी. तो यूं तो देखा जाए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो दिक्कत नहीं जाना ही दिक्कत थी. क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खुद की कुछ चलती ही नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे. और जिन स्टेट्स में मान लो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी से अलग पार्टी होती थी, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कांग्रेस का डोमिनेंस था और कहीं पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती थी, जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में आई थी सबसे पहले, ठीक है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज दी कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस दी स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय दी राइवल पार्टीज. तो जो राइवल पार्टीज के कंट्रोल में स्टेट आ जाते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे प्रेसिडेंट रूल होता है, कि प्रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देगी, इमरजेंसी लगा देगी स्टेट में. तो स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से फुटबॉल बना के क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया जाएगा. और प्रेसिडेंट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं, ठीक है, एजेंट होते हैं इन द सेंस कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नहीं, मतलब जो स्कॉलर्स की लैंग्वेज में कहा जाए कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वैसा प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है. तो ये चीज होती है यहां पे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगी कि 1990s के पहले फेडरलिज्म जो था ना, तो सिर्फ पेपर पर था, क्योंकि स्टेट्स की कोई चलती नहीं थी, ठीक है, या तो वो सेम पार्टी के स्टेट्स होते थे तो स्टेट चुपचाप बैठे रहते थे कि हाँ भैया जी हजूर जैसा आपको ठीक लगे, दूसरी पार्टी के स्टेट्स होते थे तो कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, उड़ा देती थी हवा में किसे, नॉन कांग्रेस पार्टी को या फिर राइवल पार्टीज को, ठीक है. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एंड देयरफॉर फेडरलिज्म वाज नॉट इन प्रैक्टिस. फेडरलिज्म वाज नॉट इन प्रैक्टिस, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वाज वेरी वीक. अब आता है 1990s के बाद का समय. 1990s के बाद का समय क्या है कि 1990s के बाद में क्या होता है, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज. रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे क्या होती है, ग्रो करती है, बहुत भयंकर तरीके से ग्रो करती है. जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, पंजाब वगैरह वाले रीजन में भी रीजनल पार्टीज, नॉर्थ ईस्ट में रीजनल पार्टीज, साउथ इंडिया में रीजनल पार्टीज, इनफैक्ट क्या उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह, यहां पे भी आपको रीजनल पार्टीज देखने को मिलेगी. अब क्या होता है, जब रीजनल पार्टीज ग्रो होती है ना, तो देखो एक सीधा सा कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, बैलेंस ऑफ पावर समझाता हूं. क्या है कि मान लो अगर 100 सीट्स हैं, तो अगर एक पार्टी का डोमिनेंस है तो वो पार्टी क्या कर रही है, 100 में से मान लो 90 सीट्स अपने पास ले आ रही है, तो 10 सीट पर दूसरी पार्टी है, ठीक है. अब क्या होता है, लेकिन रीजनल पार्टीज ग्रो होती है कि 10 सीट वाली पार्टी यहां हो गई, 10 सीट वाली यहां, 10 सीट वाली यहां, 10 सीट वाली यहां, 10 सीट वाली यहां. तो अब क्या है कि एक मतलब आप जैसे देखोगे कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रो होने से क्या है कि 60 सीटें तो बढ़ गई है. तो अब जो वन पार्टी डोमिनेंस थी ना, वो कितने पर रह गई है, माइनॉरिटी में सिमट गई है, मात्र 40 सीट ही है उस वन पार्टी के पास में. तो अब क्या है कि विद द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब हर रीजन के अलग पॉलिटिकल पार्टी, साउथ में आप जाओगे तो AIDMK DMK वगैरह आ गई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट की जो रीजनल पार्टीज है वो आ जाएंगी. जैसे उस समय पे क्या है, पंजाब में देखोगे आप, पंजाब में जाओगे, उत्तर प्रदेश में जाओगे, तो यहाँ पे क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है, JDU वगैरह हो गया. तो इस तरह से क्या है, मल्टीपल पार्टीज
इमर्ज होने लगी थी। तो उनके चलते क्या होने लगा, उनके चलते स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका दबदबा मजबूत हुआ। ठीक है, दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट सेंटर। तो अब क्या है कि जब हर जगह रीजनल पार्टीज है ना, तो सेंटर पे किसी एक पार्टी की डोमिनेंस नहीं होती थी जैसे पहले हुआ करती थी कांग्रेस की। अब जब सेंटर पे एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही ना, मान लो गवर्नमेंट बनाने के लिए 100 सीट चाहिए, अब किसी एक पार्टी के पास में 51 सीट्स नहीं है, मतलब 100 सीट है टोटल, 100 में से गवर्नमेंट बनाने के लिए 51 सीट्स चाहिए, तो किसी एक पार्टी को जब 51 सीट्स नहीं मिलेगी तो वो पार्टी क्या करेगी, भाई तो हमारे साथ कोलिजन कर ले। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ने की कोशिश करेगी। अब वो कोलिजन जब भी होगा तो मैं किसी के साथ जुड़ूंगा तो मेरा भी इतना इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि कोलिजन पार्टनर जो आएगा, वो कोलिजन पार्टनर कौन आएगा, ये रीजनल पार्टी आएगी। अब जब रीजनल पार्टी कोलिजन पार्टनर बनेगी तो वो उस रीजन की बात करेगी, वो बोलेगी कि हमारे देश मतलब हमारा जो रीजन है, ठीक है, हमारा जो स्टेट है उसकी ये डिमांड पूरी करोगे तो हम तुम्हारे साथ कोलिजन पार्टनर बनेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की बात मानना पड़ेगी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात मान रही है, मतलब क्या हुआ, फेडरलिज्म स्ट्रांग हो रहा है। यहां क्या हो रहा था, धुएं में उड़ा देती थी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की बात को एक तरह से ऐसे कुछ बोला क्या इस तरह से हल्के में ले लेती थी। लेकिन यहां क्या है, यहां बात मानना पड़ेगा, जी हजूर, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोलिजन पार्टनर नहीं रहेगा तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, मेजोरिटी नहीं रहेगी ना, तो वो स्थिति जो है। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है वो भी क्या करता है, बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है कि हाउ द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन योर कंट्री। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1990s के पहले और सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1990s के बाद में, ठीक है, ये दो अलग अलग फेज को जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो द फेडरलिज्म या फिर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो है, इट वॉज नॉट सो कह सकते हैं, इट वॉज नॉट सो गुड बिफोर 1990s बिकॉज द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन वर नॉट सो कह सकते हैं हेल्दी। लेकिन क्या होता है, विद द राइज इन रीजनल पार्टीज वी हैव सीन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ गुड नोट। क्यों, क्योंकि अब यहां पे क्या है, अब आप क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंसीडर कर रही है, ड्यू रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस विद द मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज। अब रीजनल पार्टीज को क्या करना पड़ता था, सिर पे बिठाना पड़ता था बड़ी बड़ी सेंट्रल पार्टीज को, क्योंकि किसी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी। ठीक है, दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इससे क्या है, नया कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, ये डेवलप हुआ, मतलब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म स्ट्रांग हुई है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, वो भी इन्फ्लुएंस मतलब वो एक फैक्टर हो जाता है फेडरलिज्म को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे जो आपको डाउट था वो सेंटर स्टेट रिलेशंस एक्सप्लेन्ड। आया समझ में, इजी है ना। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो रहा है, इसी तरह से हमने हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, इसके तीनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों सब पॉइंट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन, तीनों को समझ लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरह से चीजें समझ में आई है। ठीक है, अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है, फेडरलिज्म क्या है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री, और इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ये तो हमने समझ लिया बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से समझ लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म का, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल के आऊं कि 1992 एक वॉटरशेड इवेंट रहा है, तो इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो 1992 के बाद अगर कह सकते हैं और स्ट्रेंथन हुआ, तो ऐसा हुआ क्या था 1992 में, डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, वो सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और जो लास्ट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लास्ट टॉपिक है, सुनते से बड़ी सारी मुस्कान आ जाती चेहरों पे कि चलो आखिरकार आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए। अब देखिए, आखिरी टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, एकदम दमदार टॉपिक है। क्यों, क्योंकि जो हम फेडरलिज्म को पढ़ रहे हैं, तो फेडरलिज्म में हमने क्या देखा था कि एक फेडरल सिस्टम जो होता है उसमें टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो हमें समझ में आया क्या है कि हाँ सेंट्रल स्टेट यही कहानी है, लेकिन मोर देन टू टीयर में तीसरा टीयर कहां से आया। तो जो मोर देन टू टीयर की हम बात कर रहे हैं ना, तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब अच्छे समझ, आप देखो यहाँ पे थ्री टीयर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, टू व्हीलर से हम ऑटो बन गए तीन टायर वाला। खैर, टायर टीयर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, जस्ट अ जोक। यहाँ पे अगर हम समझे ना चीजों को, तो देखो क्या है कि बड़े देश जो होते हैं ना, तो बड़े देश में तो फेडरलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। अब छोटे से देश हैं, छलांग भर के इधर से उधर कूद जाओगे, तो उन देशों में क्या है, उन देशों में जरूरत नहीं होती उतनी ज्यादा फेडरलिज्म की, लेकिन फिर भी जनरलाइज नहीं करेंगे हम। क्यों, क्योंकि श्रीलंका हो गया, बेल्जियम हो गया, तो छोटे छोटे देशों में भी जरूरत पड़ जाती है, ऐसे जनरलाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े देशों की बात करोगे ना स्पेसिफिकली, तो बड़े देश में तो चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए, फेडरलिज्म। ठीक है,
तो बड़े देशों में तो फेडरलिज्म होना ही चाहिए। अब क्या है, इंडिया है तो बहुत बड़े देशों में आता है इंडिया, ठीक है, बड़े लोग हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब जब और बड़े कंट्रीज होते हैं तो वहां पे आप दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट, देखो परफेक्ट सर्कल बन गया, ठीक है। तो क्या एक नेशनल गवर्नमेंट हो गया, नेशनल गवर्नमेंट के बाद में क्या हो गया, आपने देख लिया रीजनल गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक। तो ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स होगी ना, रीजनल गवर्नमेंट्स मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या है, अगर आप देखोगे तो जैसे स्टेट्स की बात करें, अब हमने बात करी थी अभी चैप्टर वन में पढ़ के आए थे, बेल्जियम जो है तो हरियाणा से कंपेयर करें तो बेल्जियम है, ठीक है, मतलब बेल्जियम श्रीलंका सभी हमारे स्टेट्स के बराबर है। इनफैक्ट एक चीज बताऊं मैं आपको, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे ना तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, दूसरा कौन सा है, एक बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, दूसरा कौन सा है, इंडिया है, और तीसरा कौन सा है, यूएसए है। अब अगर आप क्या करोगे, इंडिया के दो स्टेट्स निकाल लोगे सिर्फ, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को जोड़ दोगे, ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश को मतलब महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को जोड़ दोगे तो हम यूएसए को पीछे छोड़ देंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इतने बड़े देश जो है पॉपुलेशन के मतलब इतने बड़े बड़े स्टेट्स जो है पॉपुलेशन के टर्म्स में, एरिया भी काफी बड़ा बड़ा, यूरोपियन कंट्रीज, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज हमारे स्टेट्स से छोटी है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि पावर का जो डिवीजन है, या फिर कह सकते हैं जो हम डिवीजन ऑफ मतलब जो हम पावर शेयरिंग पढ़ के आ रहे हैं, तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो दो लेवल सफिशिएंट नहीं है और पावर को शेयर करना चाहिए ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट डेमोक्रेसी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो और पावर कहां शेयर करोगे भाई, ठीक है, तो और पावर शेयर कहां करेंगे हम, लोकल लेवल पे, ठीक है। और लोकल लेवल पे जो पावर शेयर करते हैं उसे क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन भी कहेंगे। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब आप पावर ले रहे हो और उन्हें किसे दे रहे हो, लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो, इस चीज को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडियन कंटेक्स्ट में हम डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, आया समझ में। देखो बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है तो है क्या चीज, मतलब क्या बवाल है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले रहे हैं और पावर को और नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी सिंपल, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन समझ में। तो अब देखो आगे क्या कहानी है, आगे कहानी ये है कि इंडिया में क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन का। तो और एक सवाल ये भी बनता है उसके पहले कि डिसेंट्रलाइजेशन करना क्यों है, मतलब सर पावर बांटे जा रहे हो खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब सेंटर से स्टेट को दे दी, स्टेट से अब लोकल को दे रहे हो, पावर खत्म हो जाएगी, नहीं, ठीक है, पावर ऐसे खत्म नहीं होती है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ना, तो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों पावर शेयर करना है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। वाई इट इज रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एट लोकल लेवल, क्योंकि लोकल लेवल पे आप पावर दोगे, जब पावर को डिसेंट्रलाइज करोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोकल लेवल पे बहुत बेहतरीन तरीके से सेटल आउट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आप जैसे ग्राम पंचायत, डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज आई थी, जो आपको मैं अभी आगे और समझाऊंगा अच्छे से। तो जैसे क्या है, लोकल लेवल पे मान लो क्या है कि एक गाँव में अगर मान लो किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट है, गांव में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट क्या है कि रोड बनना चाहिए या पुल बनना चाहिए, ठीक है, मतलब रोड और पुल एक ही साथ बनेंगे, लेकिन एक पुल पुराना था उससे पहले सुधारा जाए, नया रोड खोला जाए। तो लोगों की जो जरूरतें होंगी, लोगों के जो जो कह सकते हैं ना कि लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो वही लोग समझते हैं। तो ऐसे मुद्दों को क्या है, लोकल लेवल पर बहुत बेहतरीन तरह से सुलझाया जा सकता है, इसीलिए पावर को लोकल लेवल पर देना जरूरी है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समस्याएं पता होगी कि शिक्षा की जरूरत है, ठीक है, साफ पीने योग्य पानी की जरूरत है उस समय पे, या फिर पार्क बनाने की जरूरत है, ठीक है, क्या उनकी समस्याएं हैं, वो उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो उन्हें खुद तय करने दो कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, उन्हें पावर दे दो। ये रैशनल है कि वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, या फिर वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज द राइट वे टू एम्पावर डेमोक्रेसी, टू एम्पावर द पीपल। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है, लोगों को बेहतर पता होगा वही वाली बात है कि क्या समस्याएं हैं, कैसे समस्याओं को सुलझाया जाए, तो वो समस्याओं को सुलझाने के लिए जो फंड आ रहा है वो लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपको आइडिया समझना है। अब आप इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप कह रहे होंगे सर ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम आपकी आपके उस पॉइंट के साथ एग्री कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, फंड्स को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है कि फंड पहुंचता ही नहीं है लोकल लेवल पे। लेकिन जो आइडिया था कि क्यों पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि
लोकल लेवल पे क्या है, बहुत एफिशिएंटली फंड्स को मैनेज किया जा सकता है। एट लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल पे लोगों के लिए, आम जनता के लिए पॉसिबल होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। क्यों? क्योंकि वो सरपंच जो होगा, वो पंच जो होगा, उसे वोट देने वाला इंसान उसे पर्सनली जानता होगा। अब आप में से कितने लोग पर्सनली मोदी जी को जानते हैं बताओ? नहीं जानते हो ना। लेकिन लोकल लेवल पे जब पावर देते हो ना, तो लोकल लेवल पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उसे आप पर्सनली जानते हो, ठीक है? तो आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है? दिस हेल्प्स टू इनकल्केट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इससे क्या होता है कि लोग अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। लोग क्या होता है, उस जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें कहीं ना कहीं अपना डायरेक्ट एंगेजमेंट फील कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हाँ, अपने ही बीच में से हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, तो ये सही करेगा गलत करेगा हम ये देखने वाले समझने वाले, ठीक है? सो दिस इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? ये रैशनल है बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर। अब देखो, अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर डीपीएसपी को आप समझते हैं, डीपीएसपी क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है? तो डीपीएसपी में बात की गई है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है उसे स्ट्रेंथन किया जाए, लोकल लेवल पे लोगों को पावर दिया जाए। कब से दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन में? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है? जैसे अगर आप देखेंगे 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था ना, उस समय से ही है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन या फिर कह सकते हैं कि जो लोकल लेवल पर पावर देने की बात की गई, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है शुरुआती दौर में, ठीक है? क्यों नहीं सक्सेसफुल रही है, तो कारण है उसके पीछे। तो पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज वर सेटअप इन ऑल द स्टेट, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो पंचायत वगैरह एस्टैब्लिश तो किया गया, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो स्टेट क्या है, स्टेट की छतरी इतनी बड़ी होती थी कि छोटे छोटे जो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत होती थी, ये कभी ग्रो नहीं हो पाती थी। आगे समझ, मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले भी बताया क्या, कि डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितने बड़े हो, डिपेंड इस चीज पर करता है कि आपके बाजू में जो है उसकी छाया कितनी बड़ी है। मान लो जैसे अमिताभ बच्चन है, और कौन है अमिताभ बच्चन के साथ साथ में, अगर हम बात करें अभिषेक बच्चन है, तो अभिषेक बच्चन इज नॉट अ बैड एक्टर, ठीक है? लेकिन अमिताभ बच्चन की छवि इतनी बड़ी है कि उनके सामने, उनसे ही कंपेयर करेंगे ना अभिषेक बच्चन को, उनके सामने अभिषेक बच्चन हमेशा क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से क्या है कि स्टेट्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने कभी क्या, स्टेट्स ने अपनी छवि ऐसी बना के रखी थी कि सही मायने में पावर कभी डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं पाई 1992 से पहले। 1992 के बाद चीजें बदल गई है, क्या बदली अभी समझ में आएगा, ठीक है? तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का आइडिया क्या था वो समझ में आया, लोकल लेवल पे चीजों को बहुत बेहतरीन तरह से सुलझाया जा सकता है, फंड्स को बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, लोग जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आप अच्छा इंश्योर कर सकते हो, ठीक है? उसी के साथ साथ में क्या है कि प्रयास किए गए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से डिसेंट्रलाइजेशन की बात करके रखी है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहे? तो पहला पॉइंट तो यह कि स्टेट गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया सक्सेसफुल। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब क्या है, इलेक्शंस जो होते थे ना, वो भी रेगुलर वे पे नहीं होते थे। आज हो गए, फिर देखेंगे 10 साल बाद। बाकी कायदे से क्या है, रेगुलर इलेक्शन होगा तभी तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाओगे। तो इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट जो होती तो उनके खुद के कुछ पावर नहीं होते थे, ठीक है? जो हमने देखा था ना कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को स्पेसिफाई कर दिया, लोकल गवर्नमेंट के जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से स्पेसिफाई नहीं करा। तो ये क्या था, समस्या का कारण बना, ठीक है? बिना दांत का शेर कैसा होता, तो वैसे ही बिना पैसे के बिना पैसे के अगर आप जैसे देखोगे लोकल गवर्नमेंट बना दी तो क्या है, फिर वो बस बैठ के तालियां बजाएंगे, ठीक है? तो लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। दस देयर वर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो इफेक्टिव टर्म्स में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना है कि दी इनिशियल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, एंड दीज वर द रीजंस वाई द इनिशियल अटेम्प्ट्स वर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। आई समझ में, तो शुरुआती प्रयास जो रहे वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। और फिर आता है 1992, ठीक है? बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दो कि मतलब ये जो साल रहा है ये वाटरशेड इवेंट रहा है, किस चीज के लिए, फेडरलिज्म इन इंडिया में, और खास करके हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन करने में 1992 एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेंचमार्क ईयर रहा है। क्यों, देखो समझो। तो द मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992 में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए, संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है? तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। अब 70
और इससे ऐसा क्या हो गया कि सर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, व्हाई वी आर सो मच एम्फसाइजिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ऑफ 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ। तो अब चीज ध्यान रखना कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या स्थिति थी 1992 के पहले, 1992 के बाद में कंट्री में फेडरलिज्म जो है, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट हमारा 1992 में स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे, अब देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बाबू, ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है थ्योरी पार्ट पे कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। ठीक है, तो क्या स्टेप्स लिए गए थे, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस आपको रेगुलरली करवाना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी करवा दिया गया। क्या पढ़ा हमने कि पहले भी प्रयास किए गए लेकिन इलेक्शंस होते ही नहीं थे रेगुलर वे पे, तो इलेक्शंस जब रेगुलर वे पे होते नहीं थे तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती थी, लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं होता था, मतलब ऐसा होता था कुंभ के मेले की तरह कि हाँ 12 साल में एक बार समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सबसे पहली चीज तो की गई कि अब इलेक्शंस रेगुलरली होंगे, हर 5 साल के पीरियड में होंगे। ठीक है, यह तय कर दिया गया, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टोरल बॉडी, इन द इलेक्टोरल बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई, किसके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो रिजर्वेशन दे दिया कहां पे, लोकल लेवल पे आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इनके लिए रिजर्वेशन कहां है, इनके लिए रिजर्वेशन जैसे अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, वहां तो है ही रिजर्वेशन, उसी के साथ साथ लोकल लेवल पे भी रिजर्वेशन दे दिया। अब एक और रिजर्वेशन लोकल लेवल पे दिया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्या कि विमेन जो है ना, विमेन के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई 1992 में। ये बोल दिया गया कि 1/3 सीट जो होगी, 1/3 पोजीशंस जो भी होगी, लोकल गवर्नमेंट जो होंगी ना, तो लोकल गवर्नमेंट जो बनाई जाएंगी तो उसमें लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर रूरल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो होंगी, तो उसमें जितनी भी पोजीशंस होंगी तो उन पोजीशंस में से 1/3 पोजीशंस जो होना चाहिए वेमेन के लिए रिजर्व्ड है, मतलब इतनी सीट्स पे जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो वेमेन ही होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या मिला पता है, कि वेमेन का जो कह सकते हैं पोजीशन थी ना वो स्ट्रांग हुई, वेमेन की जो पोजीशन थी वो स्ट्रांग हुई, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वेमेन। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। देखो अब स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्टेट के इलेक्शन करवाएगा, नहीं, स्टेट के इलेक्शन तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो करवा रहा है, स्टेट के भी और नेशनल लेवल के भी, मतलब लोकसभा के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन तो हमारा कौन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन करवा ही रहा है। ठीक है, यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया तो उस स्टेट के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है, उनके इलेक्शंस की जिम्मेदारी की रेगुलर टाइम पीरियड पे हो, रेगुलर इंटरवल पे हो, सीट्स जो रिजर्व्ड है उस प्रॉपर रिजर्वेशन मिले, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज को वुमेन को रिजर्वेशन मिले, इन सारी चीजों को, मतलब कोई गलत प्रैक्टिसेस ना हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर क्या एक और जो चेंज आया, एक और जो बड़ा बदलाव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, तो ये मोटा मोटी आपको मैं थीम बता रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक और जो बदलाव आया वो क्या आया, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यूज विद लोकल गवर्नमेंट। और पहले हमने क्या देखा था कि पहले डिसेंट्रलाइजेशन जो हो रहा था तो बिना पैसे के डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब बोल दिया हाँ हाँ पावर देंगे, पैसा नहीं दे रहे थे। तो अब क्या है कि दोनों चीजें जरूरी है ना, कि पावर देने से क्या होगा, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो फंड्स चाहिए रहेंगे वो भी दो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे अगर जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या कर दिया गया, उन्होंने बोला कि अब पावर्स और रेवेन्यू जो है दोनों चीजें मैंडेटरी हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे। अब किस अमाउंट में करेंगे तो ये छोड़ दिया गया, किसके ऊपर, ये छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो कितना पावर शेयर हुआ है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, लेकिन पावर और रेवेन्यू शेयर किया जाएगा ये मैंडेटरी करवा दिया 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसके बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे समझोगे कहानी को, तो इस तरह से क्या है इफेक्टिव टर्म्स में आप जब देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कब, 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। कहानी कितनी कहां तक आगे पहुंच गई हमारी, अब पहले वो समझ लो। देखो कहानी हमारी यहां तक आगे पहुंच गई, हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, समझ में आया, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल लेवल, लोकल प्रॉब्लम, सब कुछ, ठीक है। फिर क्या है, क्या प्रयास किया गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, हाँ, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए क्या 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। अब 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया तो वो क्या रहा, वो एक तरह से कंक्रीट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में आया गया। अब
कैश स्ट्रक्चर बनाया गया, तो वो समझो कैश स्ट्रक्चर बनाया गया। तो ब्रॉडली पूरी कंट्री में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट आया, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो आया, तो उसमें क्या है, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट आया, दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट आया। रूरल लोकल गवर्नमेंट को कॉमनली, या मतलब हम कहेंगे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज पंचायती राज, उसे पंचायती राज भी कहा जाता है। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है उसे म्युनिसिपैलिटीज के नाम से भी जाना जाता है, म्युनिसिपैलिटीज के नाम से भी जाना जाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। समझ में आया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, दोनों को, मतलब ये दो तरह की चीजें हैं। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट शहरों के लिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट गांव के लिए है। अब देखो रूरल लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको आप दो ब्रांचेस में समझो, एक गांव में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, एक शहरों के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो गांव की अगर हम बात करें, रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या है, जैसे ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत क्या हम क्या कहेंगे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और ऊपर जिला परिषद है, ठीक है, ऊपर जिला परिषद है। तो आप तीनों चीजों को समझते चलो। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको एक बार बड़ी सी थीम समझा देता हूं। तो वो जो बड़ी सी थीम समझाऊंगा ना, तो उस बड़ी सी थीम में आपको क्या हो जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो क्या है, ठीक, कि ये क्या है, ये चलो ये क्या है, एक गांव है, गांव कहां गया हमारा, अब आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक गांव है, ठीक है। अब इस गांव में क्या है, इस गांव में आपने क्या बना दिया, ग्राम पंचायत बना दिया, ठीक है, ग्राम पंचायत बना दिया कि हाँ इस गांव के, इस गांव को आपने क्या कर दिया, यहां पे एकदम बोलते हैं ना जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कि ग्राम पंचायत के अंदर क्या रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे वो वोटर्स रहेंगे, वो ग्राम सभा के लोग कहलाएंगे, और वो ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे, अपने वार्ड से अपने अपने पंच को चुनेंगे, और पंच जो रहेंगे उन पंच में से एक सरपंच चुना जाएगा, और सरपंच जो होगा तो ग्राम पंचायत का क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मैं और हम गांव में रहते हैं, हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने मिलकर हमारे पड़ोसी को जो पंच के चुनाव के लिए खड़े हुए, तो उन्हें वोट दे दिया और उनमें से सरपंच बन गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया, ग्राम पंचायत हो गई। अब क्या होता है, ऐसा एक गाँव थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, ठीक है, कभी कभी दो गाँव को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, तो ऐसे ग्राम पंचायत बन गई, ठीक है, ये ग्राम पंचायत बन गई, ये ग्राम पंचायत बन गई, समझ लो स्ट्रक्चर, ये ग्राम पंचायत बन गई। अब क्या होता है, जब ऐसी मल्टीपल ग्राम पंचायत को आप मिला देते हो, तो मल्टीपल ग्राम पंचायत को ब्लॉक लेवल पे, तहसील के लेवल पे आप मिला देते हो, तो क्या बनता है, ठीक है, पंचायत समिति बनती है, या फिर उसे ब्लॉक कह लो, या फिर उसे मंडल कह लो, मंडल परिषद कह लो, अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहला टीयर हो गया, सबसे मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट में भी अलग अलग क्या है, लेवल्स है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो गांव से लगा के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरा क्या रहता है, बुना हुआ एक स्ट्रक्चर रहता है। तो पहले ग्राम पंचायत हो गई गांव के लेवल पे, ठीक है, फिर क्या होता है, ऐसी सारी ग्राम पंचायत जो है, सारी ग्राम पंचायतों को मिला के क्या बना दिया जाता है, जब आप क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल पे सारी ग्राम पंचायतों को मिला देते हैं, तो आप क्या बनाते हैं, समिति बनाते हैं, पंचायत समिति कह लो, ठीक है, इसे ब्लॉक भी कह लेते हैं, ब्लॉक भी कह लेते हैं, इसे क्या कह लेते हैं, मंडल भी कह लेते हैं, तो अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है, मंडल भी कह लेते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब एक ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत से मतलब सारी ग्राम पंचायतों को आपने मिला के क्या बना दिया था, सारी ग्राम पंचायतों को मिला के आपने एक पंचायत समिति बना दी थी। तो ऐसी एक पंचायत समिति, दो पंचायत समिति, ठीक है, एक और ऐसी पंचायत समिति होगी जिसमें कुछ ग्राम पंचायतें जो होंगी, तो सारी ग्राम पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति बना देंगे, या फिर मंडल परिषद बना देंगे, ब्लॉक बना देंगे, जो भी कहना है आपको, अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में जानी जाती है, ठीक है। तो अब ये सबको अगर आप मिला दोगे, मतलब ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप मिला दोगे, बोर्ड ही छोटा पड़ गया हमारा, ठीक है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप मिला दोगे, तो क्या है, ठीक है, व्हेन ऑल दी समिति, ब्लॉक और मंडल परिषद आर क्लब्ड टुगेदर इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा, बड़ा अंडा जो दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है, तो तब क्या बनेगा, तब बनेगा जिला परिषद, ठीक है, तो तब क्या बनेगा, जिला परिषद बनेगा, ठीक है, तब जिला परिषद बनेगा। तो इस तरह से रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है इतना बड़ा, ठीक है, बोर्ड से भी बड़ा, तो ये जो बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है, ये सिंपल, बहुत सिंपलीफाइड एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको, कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, हर गांव को अगर जैसे देखोगे तो ग्राम पंचायत होंगे, वो सारे ग्राम पंचायत को अगर आप मिला दोगे कहां पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे मिला दोगे, तो एक पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल परिषद बनेगा, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और उस जिले के अंदर जितने भी मंडल परिषद होंगे उन सबको मिला दोगे, तो क्या बन जाएगा, आपका जिला परिषद बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब वही चीज यहाँ पे थ्योरी में दी गई है। तो ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत जो है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, तो उस ग्राम पंचायत के अंदर भी क्या है, अलग अलग पंच को चुना जाता है, ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट, और जो उन पंचों के बीच में से एक प्रेसिडेंट रहता है उसे सरपंच कहा जाता है, ठीक है, सरपंच हो गए, सरपंच साहब
ऐसे बोलते हैं ना सरपंच साहब नमस्ते, उनकी बहुत रिस्पेक्ट रहती है उस रूरल एरिया में, तो वो सारी चीजें। फिर क्या हो गया, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। अब क्या हो रहा है कि ये जो पंच बने हैं, सरपंच बने हैं ना, इन्हें कौन इलेक्ट कर रहा है, तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट्स लिविंग इन दैट इन दैट विलेज इन दैट ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत बन रही है इसके अंदर जितने भी अडल्ट है, अडल्ट मतलब क्या है, 18 साल से ऊपर वाले, वोटिंग राइट है जिनके पास, तो वो वोट देके अपने पंच सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। और ये जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत क्या करती है, पूरे गांव के लिए डिसीजन लेती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, और पंचायत जो काम कर रही है, तो पंचायत ग्राम सभा के अंडर में काम कर रही है। अब देखो, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, इसमें कंफ्यूजन रहता है ना, मुस्कुराओ। ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी देता हूं मैं आपको। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा मतलब क्या है कि जितने भी अडल्ट है, देखो ग्राम पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कह लो हम इसे। ठीक है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी बॉडी जो है वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, वो ग्राम पंचायत है। अब इस ग्राम पंचायत को चुनने वाले लोग कौन होंगे, अडल्ट मेंबर्स। तो वो सारे जो अडल्ट मेंबर्स हैं, ठीक है, जो वोटर्स हैं, तो वोटर्स की जो बॉडी है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अडल्ट वोटर्स इन अ ग्राम पंचायत। तो एक ग्राम पंचायत के अंदर, मतलब एक ग्राम पंचायत का जितना ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर जितने भी अडल्ट वोटर्स हैं, तो उन अडल्ट वोटर्स का जो ग्रुप रहेगा ना, वो जो बॉडी रहेगी उसे ग्राम सभा कहते हैं। अब ग्राम सभा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्राम सभा क्या है, वो गांव के सारे एडल्ट वोटर्स जब आते हैं मीटिंग में, ठीक है, तो वो बोलते हैं हम ग्राम सभा की मीटिंग हुई है। ग्राम पंचायत की मीटिंग तो ये करते रहेंगे पंच सरपंच मिलके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जब सारे वोटर्स एक साथ आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है, कि जो लोग वोट दे रहे हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ग्राम सभा की जब मीटिंग बुलाई जाती है, तो इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर। तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है ट्वाइस या थ्राइस इन ईयर में, ठीक है, टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट होता है उसको अप्रूव करने के लिए, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सही तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही, मतलब ग्राम पंचायत को चुना किसने है, गांव के सभी अडल्ट वोटर्स ने। सभी अडल्ट वोटर्स जब इकट्ठे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे। और ग्राम सभा जो है, तो ट्वाइस या थ्राइस इन ईयर उनकी मीटिंग होती है, और वह देखती है कि हमने जिन्हें चुना है ग्राम पंचायत के लीडर्स को, पंच को, सरपंच को, ये सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, काम अगर कर रहे हैं तो इनके पास कितनी पावर है, मतलब फंड्स जो उनका इस्तेमाल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एनुअल बजट वगैरह जो होता है उसका अप्रूवल कौन देता है, ग्राम सभा देती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए रूरल लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सिंपल है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। अब ऊपर उठोगे ना, तो अब क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यही ग्राम पंचायत सारी मिला दी जाएंगी, अगर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे सारी ग्राम पंचायत को मिला दोगे आप, तो क्या बनता है, पंचायत समिति बनती है। और सारी पंचायत समिति को जिले के अंदर अगर मिला दोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो जिला परिषद बनती है। ये स्ट्रक्चर है सिंपल सा, जो भी हमने आपको बड़े से डायग्राम में बताया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, ग्राम पंचायत को जब सारी ग्राम पंचायत को मिला दोगे, पंचायत समिति ब्लॉक मंडल जो कहना कह लो, और वैसे ही क्या रहेगा, जिला परिषद बन जाएगा जब आप सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की पंचायत समिति ब्लॉक मंडल को मिला देते हो तो। ठीक है, तो पंचायत समिति की अगर हम बात करें, तो व्हेन अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ठीक है, आपने मिला दिया तो पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल बन गया, फाइन। तो दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। अब क्या हो रहा है, तो जितने भी पंचायत मेंबर है ग्राम पंचायत के, जो हमने क्या करा, हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया, मतलब हम गांव में रह रहे हैं, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया, मतलब पंच सरपंच को। अब वो पंच और सरपंच फिर अपना काम करते रहेंगे, पंच सरपंच किसको चूज कर लेंगे, तो जो पंचायत समिति के मेंबर्स होंगे उन्हें कौन चूज कर लेगा, तो पंचायत के जो मेंबर्स हैं, जो पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करेंगे, समिति ब्लॉक और मंडल के मेंबर्स को चूज करेंगे। उसी तरह से अब क्या होगा कि ये जो पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो जिला परिषद वगैरह के मेंबर्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो जिला परिषद कहाँ होने वाली है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाली है। ठीक है, तो ऑल दी पंचायत समितीज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट दी जिला और डिस्ट्रिक्ट परिषद। जिला इन डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो जिला के अंदर जितनी भी पंचायत समिति है वो सारी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाती है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्टेड वर्ड आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्टेड का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि मान लो कि उस जिले से कोई एमएलए है, तो वो एमएलए क्या है, एमएलए तो वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो एमएलए होते हैं ना, उनका पार्ट हो गया वो। लेकिन क्या है, वो है तो उस जिले का ना, तो उस जिले का होने के कारण क्या है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस जिले के जिला परिषद वाली मीटिंग जो होती है ना, उसमें भी बैठेगा वो।
तो अब मान लो क्या है कि पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है किसी इंसान के द्वारा, तो वो किसी ना किसी जिले में तो रहता होगा, तो वो क्या है उस जिले का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो क्या है जिला परिषद में भी बैठ रहा है, जिला परिषद की मीटिंग में भी बैठ रहा है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएस, ये लिखा है लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारा ये तो क्या है आप बहुत बड़ा इंसान बन गए, चलो कांग्रेचुलेशंस, मिठाई ठाई पहुंचा देना, लेकिन आपका जो जिला है, आपका जो गांव जो रहेगा, आप क्या है उस जिले के उस गांव के कामकाज में तो जाओगे ना। तो उसी तरह से क्या है कि एमपीज और एमएलएज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हैं, लेकिन क्या है वो उस डिस्ट्रिक्ट के भी तो पार्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है अधिकतर कि जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा और एमएलएज होते हैं ना, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के कह सकते हैं कामकाज में, उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल लेवल पे डिसीजन लिए जाना है, तो उन मीटिंग्स में, जिला परिषद की मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम ऑफ द ऑफिशियल्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर, तो जिला परिषद के मेंबर में ये सारे लोग भी आते हैं। फाइन, फिर क्या हो गया, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, तो जिला परिषद का हेड कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन, सिंपल है, जिला परिषद का हेड जिला परिषद चेयरपर्सन। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनेंगे, ग्राम पंचायत का हेड कौन है, सरपंच, तो प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत इज सरपंच, ये चीजें ध्यान रखना। अब ये तो हमने आपको क्या बताया, जैसे यहां समझाया मैंने कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझो, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है, तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं ना उनके लिए क्या किया जाता है, शहरी क्षेत्र के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आया। अब देखो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, शहर के लिए है। अब शहर में ऐसा नहीं है कि तीन, जो हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट में देखा कि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरा उठ के गया है, तो यहां पे शहर में ऐसा कोई लेवल नहीं उठा है, लेकिन शहर में भी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, ठीक है, नगर परिषद होता है, अलग अलग होते हैं ना ये, ये अलग अलग क्यों है, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस से, ठीक है, तो शहर के साइज के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, अलग अलग म्यूनसिपैलिटीज होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, टेक्निकल होता है, नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें ना घुसते हुए बस हम इतना समझें कि शहर के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट, गांव के लिए रूरल लोकल गवर्नमेंट, और इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 1992 के बाद एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर अर्बन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, तो जो टाउन्स रहते हैं, टाउन्स मतलब ट्रांजिशन एरिया, ना गांव में है ना शहर में है पूरी तरह से, तो जो टाउन्स रहते हैं, तो टाउन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं देखने को मिलेगी, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी सिटीज रहती है, जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, तो बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज जो होती है उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, तो बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो जैसे पार्षद जो होते हैं, ठीक है, पार्षद वगैरह आपने देखो ना आपकी कॉलोनी, अब शहर में रह रहे हो अगर आप, तो आपकी कॉलोनी से पार्षद है कोई, तो आप पार्षद के पास जाते हैं, यार वो हमारे वहां नाली चौक हो गई है, ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि वो जो अर्बन एरियाज में आपके रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, तो म्युनिसिपैलिटीज में भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी क्या है, वार्ड्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, वहां आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हो, ठीक है। तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपैलिटी क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से छोटी है, टाउन्स में जो रहती है, तो म्युनिसिपैलिटीज का हेड कौन होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन, पॉलिटिकल हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव वर्ड मतलब क्वेश्चंस में आएंगे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर होता है, ठीक है, पॉलिटिकल हेड कौन है, मेयर हो गया, ठीक है, मतलब लोग चुनते हैं। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से पूरी कहानी थी जो हमने आपको समझानी थी, इसी के साथ अभी खत्म नहीं हुआ, रुको, ठीक है, तो इतना समझ में आया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। एक और चीज जो है, तो देखो आपने ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया ना, तो आउटकम हम एसेस करते हैं ना हर चीज का, कि हमने ये काम किया, हमने पढ़ाई करी तो कितना ध्यान रहा, तो वैसे ही यहाँ पे तो बहुत बड़ा काम कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना डाली, तो इसके अचीवमेंट्स क्या रहे, तो यस देर आर अचीवमेंट्स, देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, देखो बहुत बड़ा नंबर है एक्सेट्रा ऑल ओवर दी कंट्री, तो जो ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा, तो वहां पे 36 लाख से ज्यादा क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं, पूरा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आर कंट्री, डेमोक्रेसी जो है उसकी रूट्स और गहराइयों में गई है, मतलब डेमोक्रेसी जो है तो लोग फील करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां तो लोकल, जैसे ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत पे आप अपने सरपंच को, जिसको चुनाव में वोट दे रहे हैं उसके साथ बैठ के आप क्या कर रहे हैं, पत्ते भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसको बहुत क्लोजली जानते हैं, ठीक है, तो आप अकाउंटेबल होल्ड करेंगे उसे, मतलब ऐसा नहीं कि पत्ते खेल रहे हैं तो बस वो जैसा करना चाहे वैसा कर लेंगे, हम उसे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। डेमोक्रेसी जो है तो क्या हो रही है, डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो कहा जाता है ना, कि एकदम रूट्स तक डेमोक्रेसी पहुंची है,
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मदद से. इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी. अब क्या है, जब वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर नहीं है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में नहीं है लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे है ना, तो इससे महिला सशक्तिकरण, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो इश्यूज है, उनकी जो आवाज है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आई है, डेमोक्रेसी में आई है. ठीक, अब देखो ये तो अचीवमेंट्स हो गए लेकिन चैलेंजेस भी है. ऐसा नहीं है कि बस सब गंगा नहा लिए, अब यहाँ पे चैलेंजेस भी है. व्हाई इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. तो ग्राम सभा जिसको ट्वाइस या थ्राइस मीटिंग करना चाहिए, अपने अपने ग्राम पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स करना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता. इलेक्शन तो आप करवा देते हो लेकिन ग्राम सभा की जो मीटिंग होना चाहिए, जो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो उतना नहीं देखने को मिलता है कुछ स्टेट्स में. कहीं कहीं पे अच्छे तरीके से काम भी कर रही है, जैसे केरला वगैरह की बात करें तो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत मजबूत है. ठीक है, फिर क्या है, एग्जांपल एक आपकी बुक में बॉक्स में पोर्टो अल्जीरियो का भी दिया है, ब्राजील का भी. फाइन, फिर क्या है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट. अब क्या होता है कि अब जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पावर जो है ये सब क्या करेंगे, स्टेट जो है लोकल गवर्नमेंट को देंगे. तो कुछ स्टेट्स ने आज भी अपने गार्ड्स को ऑन करके रखा है, मतलब दे हैव नॉट ट्रांसफर्ड द पावर टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फिर क्या है, नॉर दे हैव गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी नहीं दिए. फाइन, उसी के साथ साथ वॉट आर दस स्टिल, वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो हम अभी भी क्या है, मतलब बोलते हैं ना अभी दिल्ली दूर है, तो अभी भी क्या है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आइडियल्स है कि एकदम ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो, हम वहां तक पहुंचे नहीं है. ठीक है, अभी भी क्या है, उसमें कमियां रह गई है. तो फाइनली इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है. तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है, डिसेंट्रलाइजेशन से लगा के फेडरलिज्म तक, कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे आई, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म है क्या, सारे टॉपिक्स को क्या है अब दिमाग में दौड़ाते रहना इधर से उधर, और चीजों को रीड करना, पढ़ना ज्यादा. ठीक है, आपने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, ताली बजा दी, वीडियो खत्म हो गया, बढ़िया है. लेकिन उसके अलावा क्या है, आप जितना रिवाइज करोगे, जितना रीड करोगे, उतना आपको फायदा मिलने वाला है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप यू एंजॉयड इट. मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है. इन वीडियोस को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. यूट्यूब पर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो कहां चले जाओ, वेबसाइट पर चले जाओ, magnetbrains.com सर्च करना है, वेरी सिंपल. ठीक है, magnetbrains.com सर्च करते से आपके सामने क्या आएगा, एक वेबसाइट आएगी. उस वेबसाइट पर क्लिक करते ही, ठीक है, उस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा. आप जिस भी क्लास पर अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए, टॉपिक, सब टॉपिक, चैप्टर, सब्जेक्ट, सब कुछ होगा. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स आ गए, सेलेक्ट करो, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक है. इन्हें आराम से घर बैठे आप क्या कर सकते हो, इन्हें आराम से घर बैठे आप देख सकते हो. ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. अब क्या करना है, अपने जूनियर सीनियर्स को बताना और अपने क्लासमेट्स को भी बताना. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू.